आरती, बाबुओं को बाप से है पारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंक्ति, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरे सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर द्वारम करुणावतारम संसार सारम वदगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हरियारमेते भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं, आप लोग भी विराजमान हो जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान व्यासपीठ की दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में वादन करेंगे गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर प्यारी आभा के साथ में आज षष्ठम दिवस की पावन कथा का श्रवणपान सतगुरुदेव भगवान कराएंगे। कल हमने और आपने पंचम दिवस की पावन कथा का श्रवणपान करते हुए श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में पहुंचकर मानसिक रूप से परिक्रमा करते हुए 56 भोग लगाते हुए श्री गिरिराज जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज ठीक वहीं से मंगलमय कथा के साथ में ठाकुर जी के मंगल विवाह के साक्ष बनेंगे। सुंदर सी जोड़ी के दर्शन करेंगे और अपने आप को पावन चरित्रों से जोड़ते हुए बदलने का प्रयास करेंगे। तो सतगुरुदेव भगवान व्यासपीठ की दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं और आप भी विराजमान हो चुके हैं। जो लोग घर बैठे जुड़ रहे हैं अथवा जो यहाँ बैठे हैं, प्रयास ये रहे जैसे तन से बैठे हैं वैसे मन से बैठे और संपूर्ण कथा का श्रवणपान लाभ करते हुए अमृत ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। निरंतर सेवा का संकल्प लिए जनमानस का कल्याण करते हुए नर में नारायण का दर्शन पूज्य सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं, तभी एक समान सभी को प्यार दे रहे हैं। बिना किसी जाति वर्ग के, बिना किसी भेदभाव के सभी माओं के चरणों की सेवा कर रहे हैं और सेवा ही नहीं बल्कि हर वो धर्म अपने पुत्र होने का धर्म अदा कर रहे हैं जो एक वास्तव में पुत्र का धर्म होता है। इतनी सुंदर सेवाएं आज गौरी गोपाल आश्रम परिवार में होती हैं कि जिन्हें देखने के लिए केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, उन सेवाओं से जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं और अपने घर जाकर के अपने माता पिता की, अपने वृद्धजनों की देखभाल और संपूर्ण सेवा करते हैं। आज के समय में समाज को उत्थान करते हुए बदलने का प्रयास जो सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं, जो सपना सतगुरुदेव भगवान देख रहे हैं, वास्तव में आज वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज कथा का 6वां दिन है और जिस उद्देश्य को लेकर ये पावन कथा यहाँ सेंट्रल जेल में, केंद्रीय जेल भोपाल में रखी गई थी, आज वो लक्ष्य लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये पावन कथा बंदियों के सुधार के लिए और पूर्णतः उनकी मनोदशा को बदलकर भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए थी जो आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सतगुरुदेव भगवान के लिए, उनके वचनामृतों के लिए, उन आदेशों के लिए जिनके माध्यम से आज पूरी दुनिया बदल रही है और यहाँ रहने वाले हमारे बंदी भाई बंदी बहनें
अपने जीवन में उन सभी आदर्शों को उतारते हुए ठाकुर जी के चरणों की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। वास्तव में ये बदलाव आज पूरी दुनिया देख रही है, इतना बड़ा बदलाव ये जो फैसला सतगुरु भगवान ने लिया है आज यहाँ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री रागे जी भांगरे के लिए, जिनकी अथक मेहनत प्रयास के बाद में इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हो पाया और जिसका लाभ आज पूरी दुनिया ले रही है। आइए, निरंतर माओ की सेवा के दर्शन तो आप करते ही हैं, अभी भी आप देख रहे हैं टीवी पर बड़ी सुंदर माओ की सेवा सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं। आज हमारे आश्रम परिवार में 275 माए हैं जिनकी हर प्रकार के जरूरत का ख्याल रखा जाता है। उन माओ के संपूर्ण उपचार से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा उन माओ को दी जाती है और नित्य प्रति चरणों की सेवा सतगुरुदेव भगवान करते हैं। हर माँ के पास जाकर के उनके पास में बैठते हैं, बात करते हैं। हम अपनी माँ के पास में नहीं बैठ पाते हैं, परंतु धन्य है सतगुरु भगवान, 275 माओं के पास जा करके उनका हाल लेते हैं, चाल पूछते हैं और उनकी जो भी जरूरत होती है उसको तत्काल पूरा करने का आदेश देते हैं और पूरी होती भी हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे सतगुरु भगवान के लिए जो केवल माओं के ही लाडले नहीं है बल्कि हम सबके लाडले हैं और निरंतर ऐसी माओं की सेवा कर रहे हैं। आइए, मैं चाहूंगा कि एक माँ का सहारा आप भी बन जाएं। 275 माओं में से किसी एक माँ का आप भी हाथ थामें। पुण्य तो आप कमाएंगे ही, आशीर्वाद तो आप लेंगे ही, गौरी गोपाल आश्रम परिवार से भी आप अपने आप को जोड़ लेंगे। तो आइए, माओं की आजीवन सेवा के साथ में माओं की भोजन प्रसादी की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। 275 माओं के लिए आप अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा दो, उनकी भोजन प्रसादी की सेवा ले सकते हैं। अथवा एक माह के लिए, दो माह के लिए, छह माह के लिए, पूरे साल भर के लिए भी आप यह सेवा अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ चलने वाली अन्यत्र सेवा गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र, जहाँ हजारों संतों की सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है, ऐसी दिव्यतम सेवा से जुड़कर आप हजारों संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में वो भी मात्र 11,000 रुपए के योगदान से एक दिन की संपूर्ण सेवा, साथ ही श्री धाम वृंदावन में चलने वाली गौरी गोपाल रसोई जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। एक बार जोरदार तालियां इस रसोई के लिए, सतगुरुदेव भगवान के लिए। लगभग 30,000 से 40,000 लोगों को भरपेट भोजन प्रसाद मिलता है, वो भी एकदम निशुल्क। इतनी सुंदर विशाल रसोई के दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरा सोचिए, जब आप एक दिन की सेवा लेंगे, अपने हाथों से करेंगे, तो कितना पुण्य आपको मिलेगा। ऐसे में मैं चाहूंगा प्रसादी तो आप पाए ही, जो लोग वृंदावन में आए अथवा आते रहते हैं, एक दिन की सेवा क्यों ना अपने हाथों से भी करें, ताकि एक दिन की सेवा से हजार लोगों को लाभ प्राप्त हो और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आइए, मैं चाहूंगा कि एक दिन की रसोई की सेवा मात्र 31,000 रुपए के दान से आप भी लें और आप भी अपने आप को इन पावन सेवाओं से जोड़ें। आइए, नाम सुनेंगे उन दानवी महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए और पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। आज की श्रेणी में अंकुश मेवाड़ा राजस्थान राजस्थान से 31,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। त्रिपुरारी महतो पटना बिहार से 21,000 रुपए देते हो, एक माँ का जीवन सहारा बने। उषा नित्यानंद जी सोलन से आप 21,000 रुपए, पुष्पलता जी नई दिल्ली से अपने बेटे के नाम से आप 11,000 रुपए, देवी जी 11,000 रुपए आप दान कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जसरोटी आप, कुलदीप जसरोटिया चंबा हिमाचल प्रदेश से आप 11,000 रुपए, सरस्वती बहन वासुदेव मोदी दिशा जी गुजरात से 11,000 रुपए, गिरिजा संगठित शुक्ला कानपुर से 11,000 रुपए, सीताराम जी नागर आप राजस्थान से 11,000 रुपए, विश्वपाल जी असम से आप 10,000 रुपए, वीरभद्र जी ऋषभ भाटी देवी आप भाटी नोएडा से 51,000 रुपए, बबलू कुमार दिल्ली से 51,000 रुपए, रविशंकर शर्मा गोरखपुर से आप 5,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में जयंती साहू जी आप 5,000 रुपए, सुमिता देवी करनाल से 5,000 रुपए, आकाशी लालवानी रायपुर से 4,200 रुपए, इंद्रजीत जी आप हरियाणा से, विजय सर गोविंद जी मुंबई से, विजय सर पूनम साहू जी रीवा से आप विजय सर के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। अब आइए, मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं केंद्रीय जेल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं अथवा जो लोग घर बैठे ही पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, दानवीर महापुरुषों के नाम सुन रहे हैं, आप भी अपना नाम इन पावन श्रेणियों से जोड़ें, पुण्य लाभ आप भी अर्जित करें, माओ का सहारा बनेंगे। जो माए आज हमारे आश्रम परिवार में है, मात्र 21,000 रुपए के दान से आप भी किसी एक माँ का सहारा बन जाएंगे और किसी एक दिन के संपूर्ण गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए मात्र 11,000 रुपए का योगदान आप देते हुए एक दिन की संपूर्ण संतों की सेवा आप भी अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में सिद्धाम प्रदावर में चलने वाली रसोई जिसके बारे में हाल ही में मैंने बताया, मात्र 31,000 रुपए के योगदान से एक दिन की संपूर्ण सेवा के लिए आप भी यह कार्य अपने हाथों से कर सकते हैं और हजार लोगों को आप अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से प्रसादी पवा सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं, पावन दवाओं की सेवा, बंदर सेवा, गौ माताओं की सेवा, गौचरण भूमि सेवा, ऐसी गौचरण भूमि जहां गौ माताओं के लिए हरा चारा उगाया जाएगा, ऐसी पावन पवित्र गौचरण भूमि से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही इसी के साथ में बड़ा ही सुंदर निर्माण कार्य सिद्धा
यहाँ वृंदावन में हो रहा है। निर्माण कार्य में भी आप अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक कवरा मात्र 5 लाख रुपए के दान से अथवा किसी एक कवरे की छत के लिए मात्र 51,000 रुपए आप दान करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और क्यू आर कोड दिखाया जा रहा था, ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल में बीला की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरे फूलों से भी प्यार, हाँ तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। अच्छा ये बताओ भगवान, हमें सुख दें या दुख दें? वैसे भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते, हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें दुख मिला है तो भगवान से शिकायत करना चाहिए? नहीं, भगवान के जब बन जाओगे ना, जैसे पत्नी, जब पत्नी पति की बन जाती है तो फिर उसका पति घास की झोपड़ी में रखे या महलों में रखे, वो पत्नी दोनों जगह खुश रहती है। हाँ या ना? पति की खुशी ही पत्नी की खुशी है, पत्नी का सुख ही पति का सुख। जहां प्रेम है वहां प्रेम की यह परिभाषा है कि आपका सुख ही हमारा सुख है। हाँ या ना? तो फिर भगवान हमें, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो ना? तो प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम का मतलब क्या होता है?
समर्पण। और समर्पण का अर्थ होता है कि बछड़ा जहां जहां जाएगा गैया वहां वहां जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें सुख मिला तो उस सुख को स्वीकार करो ईश्वर के प्रसाद के रूप में, और दुख मिला है तो उसे भी स्वीकार करो ईश्वर के प्रसाद के रूप में। प्रसाद में कभी हमें मीठा हलवा मिलता है तो कड़वी ककड़ी भी मिल जाती है, तो प्रसाद है। तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ताली सेवा करते हुए से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। मेरे संग बोलो ये लाइन, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। भगवान जो करते हैं ना उसमें ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी होती है, इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मान लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। हमें लगता है कई बार कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर नहीं, कई बार परिणाम बाद में आता है और ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर का हर फैसला अच्छा है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक बार बीरबल का अंगूठा, एक बार राजा का अंगूठा कट गया, अकबर का अंगूठा कट गया। ये कहानी सुनी है कि नहीं, किस किस ने सुनी है? अच्छा है। एक बार अकबर का अंगूठा कट गया तो बीरबल ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बहुत बुरा लगा कि मेरा तो अंगूठा कट गया और तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा हुआ। सेनापति को आदेश दिया, सेनापति बीरबल को उठाकर जेल में डाल दो। बीरबल को जेल में डाल दिया।
अकबर एक दिन शिकार खेलने गए तो जंगल के कोल भीलों ने अकबर को पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हम बलि चढ़ाएंगे अपनी देवी को, मनुष्य की बलि। अब वो बलि चढ़ाने ले गए, तभी उनमें से एक ने कहा, भाई इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसके हाथ का अंगूठा कटा हुआ है, पहले से बलि हो चुकी है इसकी। अब तो अकबर वहां बच गया, दौड़ा दौड़ा आया, अरे बीरबल बीरबल, तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, यदि मेरा अंगूठा ना कटता तो मेरी गर्दन कट जाती, मेरी गर्दन बचाने के लिए विधाता ने अंगूठा काटा। मतलब बड़ा बड़ा संकट आता है तो भगवान की कृपा से बड़ा संकट छोटे में टल जाता है। लेकिन एक बात कि चलो मेरा अंगूठा कटा इसलिए कटा कि मेरी गर्दन ना कट जाए, पर तुम तो व्यर्थ में ही जेल चले गए ना, तुम्हारा क्या कसूर था, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज मेरे साथ भी अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मैं जेल यदि नहीं आया होता तो मैं आपके साथ होता, और आप तो बच गए थे, अंगूठा कटा था आपका, मेरा तो कुछ भी नहीं कटा था, मैं तो कट ही जाता पूरा। इसलिए तेरी मर्जी में विधाता कोई छोटा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छोटा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे रोठे तो ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रोठे तो ना होना नाराज, तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, हमें तो दोनों ही पसंद है, चाहे ईश्वर धूप में रखें या छांव में, महलों में रखें या झोपड़ी में, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाम, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। Thank you.
दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, ओ मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भोपाल की सेंट्रल जेल में ये कथा का आयोजन हो रहा है और इस कथा में परीक्षित बन करके सभी बंदी भाइयों के लिए कथा का आयोजन हमारे भैया श्री राकेश भांगरे जी कर रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया श्री राकेश भांगरे जी के लिए। इन्होंने अपनी 21 पीढ़ियां तार ली जो भागवत सुनता है। देखो इन्होंने भागवत यहाँ क्यों करा, ये चाहते तो वृंदावन में भी आकर करा सकते थे, ये चाहते तो भोपाल शहर में भी करा सकते थे, पर बाहर के लोगों को तो हर सुख सुविधाएं मिलती ही रहती हैं। जेल में जो बंदी भाई हैं बहने हैं जो 10-10 साल की सजा काट रहे हैं, 20-20 साल से जेल के अंदर हैं, ऐसे लोगों को कहाँ भागवत सुनने को मिलती। इसलिए इन्होंने मन बनाया कि जेल के सभी बंदी भाइयों के लिए, कैदियों के लिए कथा का आयोजन होगा और इनका ये प्रयास, इनकी ये विचारधारा सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। कहते हैं ना, पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने का पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने का पुण्य है, उसी प्रकार कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने का पुण्य है। और यही पुण्य का कार्य हमारे भैया श्री राकेश भांगरे जी ने किया, हमारी मैया श्रीमती रश्मि भांगरे जी ने किया, और आप दोनों की मेहनत, आपका प्रयास और समस्त जेल अधिकारी जिन्होंने इस कथा में खूब सहयोग किया, हमारे बंदी भाइयों ने भी इस कथा में खूब सहयोग किया। आप 3-7 दिन तक रोज 3 घंटे कथा और 2 घंटे प्रश्नोत्तरी रोज आप आनंद ले रहे हैं सुंदर सी कथा का। जेल के अंदर प्रश्नोत्तरी हो रही है, लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है, सीख रहा है कि अब हमें गलतियां नहीं करनी। आप लोग समाज के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने जो गलतियां की जाने अनजाने में, धोखे में, गुस्से में, वो गलती आने वाली पीढ़ी ना करे, समाज ना करे। ये मैसेज इस कथा से पूरे देश तक पहुंच रहा है और इस कथा में जो प्रश्नोत्तरी हो रही है, कथा तो लोग देख ही रहे हैं, 7 बजे से जो शाम को प्रश्नोत्तरी होती है उसे लाखों लोग देख रहे हैं। आप लोग भी शाम को प्रश्नोत्तरी हमारे बंदी भाइयों के साथ होती है, आज
भी प्रश्नोत्तरी होगी, तो आप सब अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे ना, यूट्यूब पर जाइए अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे तो ये प्रश्नोत्तरी आप भी देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1,34,00,000 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है यूट्यूब पर, 1,34,10,425 लोग जुड़ चुके हैं इस परिवार से। आप भी तुरंत मोबाइल निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये परिवार जो समाज की सेवा करने वाला परिवार है, आप भी इस परिवार से जुड़िएगा। हमारे भैया श्री राकेश जी ने अपना पूरा कुल पितर अपने जो भागवत जिनके वंश में, जैसे आप भागवत सुन रहे हैं ना, तो आपके जितने भी पूर्वज हैं यदि जाने अनजाने में उनसे कभी कोई पाप भी हुआ होगा तो उनकी यदि सदगति में कोई बाधा रही होगी तो इस पुण्य से उनकी बाधा कट जाएगी और उनका मोक्ष हो जाएगा। जो भागवत सुनता है वो सदा सुखी रहता है। हमारे बंदी भाई लोग, कितने लोग इस कथा से सुखी हैं, कितने लोगों को सुख मिल रहा है, ये देखो सब बंदी भाई खुश हैं, कथा सुख पहुंचाती है। कल हमारे एक भाई जो कि मुसलमान भाई हैं, उन्होंने बोला कि हमारी तो यहां से रिहाई होने के कागज आ गए हैं, पर हम रिहाई होने के बाद भी अभी 2-3 दिन और रुक करके जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक वो बाहर जाने का उनका आ गया ऑर्डर, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं कि कथा सुन के जाएंगे, जबकि वो मुसलमान भाई हैं। तो ये भागवत की कथा मानव जाति के लिए, कल उन्होंने खुद बताया प्रश्नोत्तरी में, तो कथा सबका कल्याण करती है। भागवत जो सुनता है उसका सब कुछ मंगलमय होता है, पितरों की सदगति, घर की सुख शांति। आप भी चाहें तो अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं, उनकी सदगति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी का पाठ, जहां संपूर्ण पाठ 18,000 श्लोकों का पाठ आपके लिए होगा। भागवत जी का पाठ का मतलब है भागवत करवाना, सुंदर काम अच्छे काम कर लेना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया। आज सवेरे सवेरे सपने में हमने बहुत सारी गौ माता का दर्शन किया, स्वप्न में बहुत सारी सफेद सुंदर सुंदर सी गौ माता का हमने स्वप्न में दर्शन किया। आज सवेरे मतलब 4 बजे के बाद का ही वो सपना था लगभग, और वो सपना कैसा, हम जाग ही रहे थे, लगभग जागने का ही समय था, जाग ही रहे थे, वो सपना भी चल रहा था, लगभग पूरा तो नहीं जागे थे पर जाग ही रहे थे और वो सपना भी चल रहा था, और सुंदर सुंदर गौ माता का हमने आज सपने में दर्शन किया। तो स्वप्न में गौ माता का दर्शन होना, सफेद गौ माता का दर्शन होना, गौ माता तो गौ माता, पर मुझे जो दर्शन हुआ सभी गाय सुंदर सफेद कलर की थी सभी गाय, और सुंदर सुंदर गायों का आज हमें दर्शन हुआ। हम गौरी गोपाल गौशाला में 250 लगभग 250 गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में रहती हैं, और भगवान ने कल गिरिराज जी उठाए, तो गोवर्धन का मतलब ही होता है गाय का वर्धन, गाय की कछा हुई, भगवान का गैया चराने की बात हुई, तो देखो गौ माता ने सपने में आकर के दर्शन दिया। इसलिए आप लोग भी गाय की सेवा किया करो। हाँ, गाय राष्ट्रीय माता हो, अब तो होना चाहिए ना, राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए। गाय हम सब का पालन करती है, गाय का दूध अमृत है, दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है, पर जितना गुणकारी दूध गाय का है इतना गुणकारी दूध किसी का नहीं है। अब आप देख लीजिए कि हमारे जो भैया श्री राकेश भांगरे जी हैं, ये पूरी जेल का काम संभालते हैं, ट्रांसफर होता रहता है इनका, सरकारी कार्य करता है, लेकिन इनके पास भी गौ माता है, ये जहां जाते हैं ट्रांसफर होके अपनी गायों को साथ लेकर के जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं।
हमने भी दर्शन किए इनकी गायों का, गौ माता की सेवा खूब करते हैं ये, सरकारी पद में है लेकिन फिर भी गायों से लगाव है, गायों की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है, इसलिए मेरी माँ आप लोग भी गायों की सेवा यदि घर में रख सको। और देखो गाय ना रखने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कि जगह ही नहीं है महाराज, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ना रखने के 1,00,000 बहाने हो सकते हैं, पर कोशिश करने से शायद रखने की संभावनाएं भी बढ़ जाएं। करने से क्या नहीं होता, एक गाय रख लीजिए आप, यदि संभव है तो एक गाय सेवा कीजिए। गौरी गोपाल गौशाला में आप अपने घर में गाय नहीं रख पाते तो अपनी ओर से एक गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में रखवाओ और उसका चारा भूसा आप देते रहो, तो आपकी गाय वहां आपकी रोटी खाती रहेगी, आपके नाम का चारा खाती रहेगी, गौ सेवा करने का आपको पुण्य मिलता रहेगा। गाय की सेवा आप ये फिर आप ये समझ लोगे कि हमारे ही गाय हमारे ही द्वारा सेवित हो रही है, तो आपकी गौ माता होना चाहिए। जैसे आजकल लोगों का कुत्ता होता, महाराज जी हमारा डॉगी है, हमारा शेरू है, जैसे आज लोगों के कुत्ते होते हैं, तो आप लोग घर में गाय नहीं रख सकते तो गौशालाओं में गाय की सेवा करते रहना मेरी माँ, गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होंगे, क्योंकि गाय के चरण चार चरण जो है ना चारों धाम होते हैं, गाय की एक परिक्रमा लगाना संपूर्ण परिक्रमा लगाने की तरह, पूरे तीर्थों की चारों धाम की परिक्रमा लगाने के जैसा है। हाँ गायों की सेवा किया करो मेरी माता, गाय साक्षात लक्ष्मी है, जहां गौ माता होती है जहां गाय की सेवा होती है वहां लक्ष्मी होती ही होती है, इसलिए गाय घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, अरे हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय किस किस को प्यारी लगती है, तो रखते हो ना घर में, मैया आपके घर में गाय है कुत्ता है, गाय है मैया, ओ मेरी माँ गाय है आपके घर में, नहीं कुत्ता है आपके घर में, हाँ कुत्ता तो है महाराज जी हमारे, रोज बिस्किट खवाती है, कितना बदल गया जमाना, गाय का गोबर उठाना पड़े तो पुराने जमाने की और कुत्ते का मलमूत्र उठाना पड़े तो मॉडर्न। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की, किया करो। आजकल लोगों ने गायों के लिए जो गौचर भूमि होती थी उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, अब गाय के पास बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए गाय सड़कों में जाकर के बैठती है, क्योंकि जो गौचर भूमि सरकारी हुआ करती थी वो सरकारी गौचर भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया, सरकारी दस्तावेजों में तो गौचर भूमि है पर प्रेजेंट में जाकर देखो तो वहां है नहीं, तो अब गाय को बैठने के लिए जगह नहीं है,
इसलिए गाय सड़कों पर बैठती है। यदि उनको बैठने के लिए खुद की जगह होती जो कि सरकारी जगह है, गौचर भूमि के नाम से होती है वो जगह, अब लोगों ने गाय की भूमि तक खा गए तो गाय बेचारी कहाँ जाए। भगवान ने अवतार ही लिया था विप्रधेनु सुर संतहित, गाय के कल्याण के लिए, गाय के उत्थान के लिए। हम तो सेवा करते हैं जितनी बनती है, हमसे तो सवाल करेंगे भगवान के क्या तुमने गाय की सेवा करी, हम तो कहेंगे कि जितना बन पड़ा किया। आप लोग क्या कहोगे, नहीं जी तो कुत्ते की दूध पीते हैं गाय का और सेवा करेंगे कुत्ते की। मैया गाय हमारी माता है तो कुत्ता तुम्हारा क्या है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसलिए गाय रखना मेरी माँ। भगवान ने आज यमुना के तट पर, अच्छा भगवान के, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, भगवान ने माँ यशोदा ने 56 भोग खिलाया। आज भगवान के पिता नंद बाबा यमुना स्नान करने गए तो वरुण लोक के देवता, वरुण लोक वहां चले गए, वरुण लोक चले गए नंद बाबा। और वहां जब भगवान श्री कृष्ण से मैया ने पूछा कि तेरे बाबा को पतो ना आए, तो भगवान ने वरुण लोक में जाकर नंद बाबा को वापस लेकर आए। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया हमारो छोरा कोई सामान्य छोरा ना आए, या कि तो यमदूत यमराज से वरुण लोक से भी बड़ी बड़ी बड़े बड़े देवता आपको दंडवत करें, मेरो छोरा कोई सामान्य छोरा ना आए। तो सारे ब्रजवासी कहवे लग गए, चौरे लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है का। कन्हैया बोले दारी के मैं भगवान होऊंगो तो बता तू करेगो का। अरे लाला का कर सकेंगे, एक बार तेरे बैकुंठ की, बैकुंठ को देखवे की इच्छा है, एक बार ने अपनो बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा बैकुंठ को दर्शन करनो है, हाँ हाँ तो चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में सभी गोता। अब जब सारे ब्रजवासी जाए के ब्रह्म कुंड में गोता लगाए हुए लग गए तो सबके सब बैकुंठ पहुंच गए। और बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे हैं, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पर बैकुंठ में जाए के जब ब्रजवासियों ने देखा कि भैया यहाँ को भगवान तो हमसे बड़ो दूर रहे, बैकुंठ को भगवान दूर रहे, पर वृंदावन को भगवान तो हमारे संग कबड्डी खेले। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे बैकुंठ के भगवान से हमें कोई मोह ना है, हम तो वृंदावन के भगवान को प्यार करें, इसलिए बैकुंठ को भगवान ब्रजवासियों की पसंद ना आए, वो तो वृंदावन को भगवान ही, कृष्ण कन्हैया ही ब्रजवासियों को भाए। और वाके संग कबड्डी खेल लें, वाके संग गिल्ली डंडा खेल लें, वाके संग घोड़ा बना के वाके पीठ में चढ़ जाएं, ऐसो लाड़ ऐसो प्यार भगवान सबन के साथ लुटाएं और सबरे ब्रजवासी आनंदित है जाएं। और बाबा तेरो लाला तो गजब कर दियो भैया, काकियों मारे लाला ने, अरे भैया यादारी के ने देवताओं को भी वश में कर राख्यो है तेरे लाला ने, तो हम सब ब्रजवासी काहे ना वश में होए तेरे छोरा के। आज भगवान ने यमुना के तट में सब ब्रजवासी वापस वृंदावन आए, आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया। आज भगवान का मन हुआ चलो रास रचाते हैं। आज यमुना का पुलिन तट था, बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज यमुना के पावन तट पे आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर, योग माया मतलब राधा, श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के आज भगवान ने बांसुरी बजाई।
आज भगवान का मन हो रहा है रास रचाने का। वाह, आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, गोपियां काम में बिजी थीं कि भगवान ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत्व मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने जब गोपियों को पुकारा, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। कृष्ण पुकार रहे हैं, दौड़। सारी गोपियां आई काम धाम छोड़ करके। आज भगवान गोपियों के संग क्या रचाने जा रहे हैं? जोर से, जोर से, रास। ये रास क्या है मेरी मां? क्या है ये रास लीला? किसे कहते हैं रास? मैया, ओ सुपारी चबाने वाली मैया, क्या सुपारी चबा रही हो? हाँ, के च्युइंगम चबा रही हो, के तंबाकू? सुनो, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। ये रास क्या था? आप लोग अपने पति को रास रचाने की परमिशन देंगे? पूछ रहे हैं हम आपसे। मैया, आप अपने पति को रास रचाने की आज्ञा दोगी? जाओ रचाओ रास। नहीं, ये मैया मना कर रही है, नहीं देंगी परमिशन। मैया, आप लोग नीली पीली मैया बताओ, आप लोग रास रचाने की परमिशन दोगे अपने अपने पतियों को? हाँ या ना? नहीं। अच्छा, नहीं दोगी ना परमिशन पतियों को रास रचाने की? देखो, आज हम आपको सही तरीके से समझाएंगे। आप लोगों के अंदर बहुत गलत फहमी है, कंफ्यूजन है। ओ लाल लाल मैया, पंचायती मैया, पतियों को परमिशन देने का प्लान चालू हो गया क्या? बताओ, पतियों को रास रचाने की परमिशन देंगी आप लोग? हाँ या ना? ये आपकी बगल वाली मैया कह रही है देंगी, और आप कह रही है नहीं देंगी। पीछे वाली मैया, आप दोगी रास रचाने की इजाजत पति को? नहीं। देखो, आप लोग ना रास रचाने की इजाजत अपने पतियों को नहीं दोगे, तो फिर भगवान कृष्ण ने जो रास रचाया वो सही था या गलत था? उत्तर दो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो सही था या गलत था? उत्तर, सही। तो आपके पति रास रचाएं तो गलत और भगवान रास रचाएं तो सही, ये कैसे हो सकता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो बात ठीक नहीं लगी। भगवान, अच्छा ये बताओ, रास रचाना सही है या गलत है? उत्तर, यदि सही है तो फिर आपके पति को आप परमिशन क्यों नहीं देती हो? और यदि गलत है तो फिर गलत काम भगवान ने क्यों किया? यदि गलत है तो क्यों किया? ये विचार है, ये प्रश्न खड़ा है। अब इसका उत्तर कितने लोग जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने रास क्यों रचाए और रास क्या है? जैसे आप लोगों ने बात सुनी होगी, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये जो कहा जाता है ना,
ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये गलत है। इसे सही कैसे किया जाए, क्या व्याख्या होगी, सही क्या है? बहुत सारी चीजें गलत गलत आप लोगों ने सुना है, तो वो गलत गलत चीजें याद हो गई, तो आपने गलत को ही सही मान लिया। आज मैं आपको रास का सही अर्थ समझाऊंगा, रास का सही, रास के मायने समझाऊंगा, सुनिएगा। देखो, आपने बोला महाराज जी हमारा पति इंसान है, वो रास रचाएगा तो गलत है, पर कृष्ण तो भगवान थे, भगवान के लिए दोष नहीं है। आपकी बात ठीक है कि भगवान के लिए दोष नहीं है, परंतु यहां पर एक चीज समझने की है। पहले उत्तर दो, भगवान ने रास किनके साथ रचाए? जोर से, गोपियों के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने रास किनके साथ रचाया? गोपियों के संग। अच्छा, उन गोपियों में एक गोपी विशेष गोपी थी, क्या नाम था? एक गोपी विशेष गोपी थी, क्या नाम था? जोर से, एक गोपी विशेष थी जो गोपी नहीं थी पर गोपी बनकर आई थी, क्या नाम था? जोर से, उनका नाम था गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में भगवान शंकर की पूजा गोपी के रूप में होती है। उस रास में भगवान शंकर भी आए थे गोपी बनकर, उस रास में भगवान शंकर भी आए थे क्या बनकर? जोर से, अब बताओ शंकर जी कौन है? जोर से, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी वो हैं जिन्होंने, जोर से, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब आप जरा सोचो कि जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शंकर जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो, तो क्या वो रास कोई भोग विलास की लीला थी क्या? यदि वो भोग विलास की लीला थी तो उस लीला में शंकर जी क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रास है, ये रास का अर्थ है मिलन। मिलन किसका मिलन? भक्त और भगवान का मिलन। रास का मतलब हुआ मिलन, किसका मिलन? भक्त और, बताओ हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं जेल में? बोलो हां या ना। तो हमारा और आपका क्या हुआ, किसके माध्यम से हुआ? भागवत के माध्यम से। जैसे आपका और हमारा एक मिलन हुआ और इस मिलन का माध्यम बनी भागवत जी, उसी प्रकार भक्त और भगवान का जो मिलन था, उस मिलन का माध्यम था रास। वो रास एक मिलन का नाम था। जैसे एक उदाहरण से समझो, अभी हमारे देश में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का नाम था G20। किस किस को पता है G20 सम्मेलन के बारे में? अभी हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ जो मोदी जी ने कराया, पूरे विश्व के नेता आए, सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां के गृह मंत्री, जो जो भी विशेष अतिथि थे वो हमारे देश आए, और हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको गले लगाकर, उनको भोजन कराकर, उन सब से मिले। उस मिलन का नाम था G20। हाँ या ना। जो हमारे देश में एक नेता ने सारे नेताओं से जो भेंट करी, उस मिलन का क्या नाम था? जोर से, G20। उसी तरह जैसे नेताओं का मिलन हुआ तो नाम रखा G20, ऐसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो नाम रखा रास। वो नाम था उस मिलन का, उस कार्यक्रम का नाम था, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? रास। जैसे जेल के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का नाम है भागवत। जेल के अंदर क्या हो रही है? भागवत कथा। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? जोर से। ऐसे ही हर कार्यक्रम का नाम होता है। G20 एक कार्यक्रम का नाम था,
ओलंपिक एक कार्यक्रम का नाम है, 2020 एक कार्यक्रम का नाम है, उसी तरह भक्त और भगवान का जो मिलन था उस मिलन के कार्यक्रम को रास नाम दिया गया था। रास, चलो रास रचाते हैं। रास रचाना मतलब मिलना, किससे मिलना, जोर से, किससे मिलना, भगवान से। कौन मिल रहा है, भक्त, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास। ना कि ये कोई भोग विलास की लीला थी। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन एक उंगली से उठाया, क्या आप में से कोई 10 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा सकता है, हाँ या ना? भगवान ने पहाड़ उठाया, उत्तर दो। भगवान ने पहाड़ उठाया, तो जो भगवान, जो व्यक्ति, जो पहाड़ उठा सकते हैं वो मनुष्य है कि भगवान है? वो भगवान है। जो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं वो मनुष्य है या? तो भगवान का अधिकार है मिलने का, किससे, भक्त से। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान की पूजा किस भाव से करती थी? सारे लोग बोलेंगे, गोपियां भगवान की पूजा किस भाव से करती थी, उत्तर दो। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सो गई क्या मेरी मां? गोपियां भगवान की पूजा किस भाव से करती थी? पति के भाव से, पते मे कुरुते नमः, हे मां हमें कृष्ण पति के रूप में मिले। अच्छा बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? जोर से, जोर से। मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी मां, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा था? ये चश्मे वाली मैया बताएंगी, किस रूप में चाहा था, जल्दी बताओ। ये मैया ही को बताने दो, और कोई नहीं बताएगा। पीछे चश्मा वाली मैया सोफे से टिक के बैठी हो, चश्मा क्यों उतार रही हो, बताओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? लो ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से, जल्दी बताओ। नहीं पता, नहीं पता, तो कितनी भोली है प्यारी, प्यारी है ओ पंचायती माँ, ओ पंचायती माँ। जब हम बता रहे थे तब प्रपंच में लगी थी मैया, और अब कह रही है कि हमें पता ही नहीं कि मीरा ने किस भाव से पूजा, हम वहां थी थोड़ी महाराज, हमें कैसे पता लगेगा। सब लोग बताओ, मीराबाई ने किस रूप में पूजा भगवान को? पति के रूप में। अब ये बताओ कि मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, तो मीरा का कृष्ण को पति के रूप में चाहना सही था या गलत था? उत्तर, सही था। तो जब मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, तो भगवान उनके पति बनकर आए और उनके पति बनकर उनकी कामनाएं पूरी करें, ये भगवान का फर्ज है या नहीं? भक्त की हर इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है। तो गोपियों ने भी भगवान को पति के रूप में चाहा, और जब भगवान ने रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए, ये लिखा है भागवत जी में। और उतने कृष्ण हो जाना ये मनुष्य के बस का तो नहीं था, ये कौन कर सकता है? भगवान। इसलिए कृष्ण भगवान है, और भगवान अपने भक्त की कामना पूरी कर रहे हैं। कामना कौन सी? वो पति के रूप में चाह रहे हैं, गोपियां भगवान को पति के रूप में चाह रही हैं, भगवान उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, बस। इसमें कोई विषय वासना की बात नहीं है। जिस समय भगवान कृष्ण ने रास रचाए
उस समय भगवान की उम्र थी 8 साल। जिस समय भगवान कृष्ण ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? अब बताइए, ये भागवत जी में लिखा है सब कुछ जो हम कह रहे हैं। क्या उम्र थी? 8 साल। अब आप ही बताओ, क्या कोई 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? होती है? इस हिसाब से भी वो लीला में कोई वासना नहीं थी, वो लीला तो केवल मिलन था साहब। भक्त और भगवान के पवित्र मिलन का नाम रास है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को माँ यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा तो भगवान पुत्र बन गए। द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा तो भगवान भाई बन गए। और अर्जुन ने मित्र सखा के रूप में देखा, भगवान सखा बन गए। और गोपियों ने पति के रूप में देखा, भगवान उनके पति बन गए। भगवान किस किस के पति हैं? आप में से किस किस के पति भगवान हैं? जिसके पति भगवान है वो हाथ उठाएं। आपके पति भगवान नहीं है? कौन है आपके पति? राक्षस? महाराज जी, हमारा वाला तो एक नंबर का राक्षस है। एक बात बताएं मेरी मां, आप मानो मत मानो पर सबके पति भगवान ही हैं। ऑलरेडी भगवान सबके पति हैं। आप सब लोग गाती हो मेरी मां, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, किस विधि मिलाऊं दया मैं, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कोमती। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। तो भगवान हम सबके प्राणों के, जोर से, हम सबके कौन है? प्राण पति। प्राण पति, हमारे प्राणों के पति कौन है? मतलब हमारे प्राण किसके अंडर में है? भगवान। किस लिए? भगवान सबके पति। ऑलरेडी भगवान ही हैं। तुम्हारी शादी के पहले भी, ये शादी के बाद वाला पति तो शादी के बाद मिला, भगवान तो जन्म से ही सबके प्राणों के पति ऑलरेडी हैं। तो भगवान सबके पति। पति का मतलब क्या होता है? पति मतलब क्या होता है मैया, आप बताओ, पति का मतलब क्या होता है? आप बताओ, पति का मतलब क्या होता है? जो आपको डांटे, ताना मारे, कमाए, वो पति का मतलब क्या हुआ? पति का मतलब होता है, पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो पति, जो पत्नी की सदा रक्षा करे, जो पत्नी को सदा प्रसन्न रखे, जो पत्नी का सदा ख्याल रखे, सुख दुख में साथ दे, उसके पतन से उसे बचाए, वो पति है। अच्छा, पत्नी का मतलब क्या होता है? पासे पति और पासे पत्नी, दोनों की राशि एक है। पासे पति और पासे पत्नी, तो पत्नी का मतलब क्या हुआ? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचाए, वो पत्नी पत्नी कहलाती है। जो पत्नी अपने पति को ऐसे गलत काम करवाए, पति से, पत्नी बोले अपने पति से, जी अपनी मां को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो,
तो तुम्हारा पति यदि अपनी माँ बाप को छोड़ दिया तो नरक जाएगा, और तुम नरक ले जाने वाली हो तो फिर पत्नी नहीं हो, दुश्मन हो। पत्नी वही जो पति को पतन से बचाए, नरक से बचाए, और पति भी वही जो अपनी पत्नी को नरक से बचाए, दोनों भगवत धाम जाए। ऐसा राह, ऐसे राह पर चलना, पत्नी गलत राह पर चले तो पति उसे रोके, और पति गलत राह पर चले तो पत्नी उसे समझाए, और दोनों दोनों सही राह पर चलो, यही है पति पत्नी का संबंध, सही मार्ग पर चलना और चलाना। तो भगवान सबके पति हैं। अच्छा बताओ, जो रक्षा करे वो पति है, हाँ या ना? रक्षणे धातु है ना, पारक्षणे, तो जो रक्षा करे वो पति, तो भगवान भी तो सबके रक्षक हैं, इसलिए भगवान सबके पति हैं, क्योंकि वो सबकी रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा कौन है? तुम जब मां के पेट में 9 महीने थे तो तुम्हारी रक्षा किसने की? किसने ठीक ठीक तुम्हें बाहर किया? भगवान। इसलिए भगवान सबके रक्षक हैं, इसलिए पति हैं। पति का अर्थ विशेष है, इसलिए समझो। तो भगवान ने गोपियों के संग जो रास रचाया, ये लीला कौन सी थी? तो चलो बताओ, रास का मतलब क्या हुआ? जोर से, रास का मतलब क्या था? मिलन। किससे मिलन? भक्त और भगवान का मिलन। जैसे कोई स्त्री मन में भाव रखे और कृष्ण को पति के रूप में चाहे, मीरा की तरह, मीरा की तरह ना जाने कितनी स्त्रियां हैं जो कृष्ण को पति के रूप में प्यार करती हैं। इन सभी स्त्रियों को भगवान किसी ना किसी जन्म में अपने उस रास में सम्मिलित करके उनकी कामनाएं पूरी करते हैं, उनके मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। यशोदा माँ के बेटे बनकर उनकी इच्छा पूरी की, द्रौपदी के भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की, भक्त के लिए भगवान बनकर उनकी इच्छा पूरी। तो फिर किसी की इच्छा है कि पति बने, तो पति, भगवान तो भक्तों के वश में है, जो बनाना चाहो वो बनने को तैयार है। अहम भक्त पराधीना, भगवान तो नौकर बनने को तैयार है। कितने संतों की कथाएं मिलती भक्तमाल में कि भक्तों के लिए भगवान उनके घर में नौकर बनकर उनका झाड़ू पोंछा करने आते थे। भगवान क्या नहीं बने? भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, मोहिनी भगवान, एक बार भगवान स्त्री बन गए। बताओ, भगवान जब स्त्री बने तो उन स्त्री का नाम क्या था? आप बताओ। मैया, आप बताओ मेरी मां। भगवान कृष्ण जब स्त्री बने, भगवान नारायण जब स्त्री बने तो उनका नाम क्या पड़ा? मोहिनी। भगवान एक बार स्त्री बन गए, मोहिनी अवतार लिया, क्या बन गए? हाँ, तो भगवान के अनेक अवतार हैं, और जो जिस भाव से पुकारे, शत्रु भाव से पुकारा रावण ने तो शत्रु बनकर मार दिया, भक्त के भाव से पुकारा विभीषण ने तो भगवान बनके तार दिया। जो जिस भाव से मुझे भजेगा उस भाव से मैं उसे भजूंगा, हाँ या ना? रावण ने शत्रु भाव से भजा तो शत्रु बनके मार दिया, और विभीषण ने भगवान के भाव से भजा तो भगवान बनके उसका उद्धार कर दिया, राजा बना दिया। तो भगवान का रूप क्या है? जो रूप आप मन में बनाना चाहो, जो आप चाहते हो, उसी भाव के रूप से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। तो रास का सही अर्थ कितने लोग जाने? क्या मतलब है रास का? ये कोई भोग विलास की लीला है क्या? जोर से, हाँ, ये तो मिलन है भक्त और भक्त। और भगवान के अंदर ना कोई भोग की कामना, भगवान निष्काम है। भगवान कैसे हैं? भगवान सोचिए
कि भगवान उन भक्तों को मिलते हैं जो निष्काम होते हैं। तो जो निष्काम भक्त को भगवान मिलते हैं तो भगवान के अंदर कोई कामना हो सकती है क्या? भगवान के अंदर क्या कामना है? कोई भगवान के अंदर हमारे तुम्हारे जैसे भोग विलास की कामना होगी क्या? जिस परमात्मा ने संसार बनाया है उसे भोग भोगने का मन होगा क्या? ये विषय वासना हमारे तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान इन सबसे परे है। भगवान है ना मेरी मां, समझो भगवान कोई सामान्य चीज नहीं है। हम लोग इस दृष्टि से भगवान को इसलिए देखते हैं विषय वासना की, क्योंकि हम लोग स्वयं उस विषय वासना में डूबे हैं। तो जस आपन तस दूसर जानी, हम जैसे हैं हम भगवान को भी वैसे समझते हैं। भगवान भगवान है मेरी मां। भगवान की जंघाओं से ना जाने कितनी अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने यह संसार बनाया। अब वो भगवान इस संसार पर मोहित होंगे क्या? स्त्रियों पर पुरुषों पर हम और आप मोहित हो सकते हैं, हम और आप आकर्षित हो सकते हैं, पर भगवान, अच्छा कामदेव बताओ जी, कामदेव के बाप का नाम क्या है? कामदेव, शंकर जी ने कामदेव को जलाया कि नहीं? बोलो हां, बोलो हां। तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म किया। जो शंकर जी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाते हो, वो शंकर जी कह रहे हैं हे कृष्ण कन्हैया, हमें भी गोपी बनाकर, आज हम गोपी बनकर आए, हमें भी रास में सम्मिलित कर लो। देखो जरा ये रास था। काम कौन है? भगवान कृष्ण से कामदेव ने कहा दो दो हाथ कर लो, भगवान ने कहा आ जाओ मैदान में। कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने, इसलिए कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके बुलाया। जो अच्युतम केशवम, जो अच्युत नाम पड़ा भगवान का, वो नाम भगवान को कामदेव ने प्रदान किया। कामदेव ने कहा हमें स्वीकार करो, तब भगवान ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण के पहले बेटे का नाम बताओ जोर से, सबको पता होना चाहिए। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम बताओ, क्या नाम था? जोर से, मैया। प्रद्युम्न, क्या नाम था? जोर से, जो सब बोलेंगे मेरे बंदे भाई बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन थे? साक्षात कामदेव ही भगवान के पहले पुत्र के रूप में जन्मे थे। तो कामदेव के बाप भगवान कृष्ण है, काम के बाप है भगवान। तो भगवान को काम क्या परेशान करेगा? समझ में आ रही है बात? काम देवता हमें और आपको परेशान करते हैं, कामदेव भगवान को, भगवान तो बाप है कामदेव के। प्रद्युम्न जी कौन है? तुलसीदास जी ने क्या बोला जब शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म किया? तब तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रति रोने लगी कामदेव की पत्नी के, मेरे पति कब मिलेंगे? तब वहां कहा शंकर जी ने कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में रति तुम्हारे पति की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बने। इसलिए रास का मतलब ये नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। चरित्र से रास का कोई लेना देना नहीं, ये तो जबरदस्ती बदनाम करने वाली बातें हैं। रास का मतलब है पवित्र मिलन। क्या मतलब है रास का? मिलन। सारी गोपियां आईं, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। गोपियां अपना का, गोपी का मतलब ये गोपियां भी कोई सामान्य नहीं, इनके अंदर कोई वासना नहीं थी,
गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो उनका नाम गोपी है। ये गोपियों के अंदर कोई वासना थोड़ी थी, कोई वासना नहीं है। पति के रूप में गोपियां चाहती जरूर थी पर कोई वासना नहीं थी, प्रेम था। अच्छा, प्रेम और वासना एक ही है कि अलग अलग है? मैया, प्रेम और वासना ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जोर से, जोर से। तो गोपियों को भगवान से क्या था? प्रेम था। और जहां प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती। वासना एक अलग विषय है, प्रेम एक अलग विषय है। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी और प्रेम किस रूप में करती थी? पति के रूप में। तो आप लोग भी अपने पति से प्यार करती हो, प्रेम करती हो, तो क्या वासना के कारण करती हो क्या? उत्तर दो। नहीं, जब आप सामान्य स्त्रियों के अंदर पति से नेचुरल प्यार है, कोई वासना नहीं है, तो फिर गोपियां यदि पति के रूप में कृष्ण से प्रेम करती थी तो उनके प्रेम में वासना थोड़ी थी। मेरी मां, उनका प्रेम निश्चल था, गंगा की तरह निर्मल था, प्रेम था, जैसे एक मां बेटे का प्रेम होता है। इस प्रेम में कोई वासना होती है? बोलो हां या ना। ये मैया देखो मस्त सो रही है, सो लो मेरी मां, गिर मत जाना। तो भगवान को गोपियों ने पाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब आई तो कहा देवियों इतनी रात्रि को यहां क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान ने कहा चली जाओ यहां से, जाओ अपने पति के पास रहो। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। और पति को कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए मेरी मां? पत्नी कैसी हो, जोर से बोलो, पत्नी कैसी हो, जोर से। थोड़ा आवाज नहीं आ रही है मेरी मां। स्त्री कैसी हो? पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब क्या हुआ ये मैया बताएंगी, पीली मैया। पतिव्रता का मतलब क्या होता है तुम बताओ, तुम, हम ना बताएंगे कुछ, हम तो बस बैठे हैं, बस हमसे पंचायत करा लो बस। मैया, पतिव्रता का मतलब क्या होता है बताओ? ये हमारी मैयाएं बताएंगी, बंदी मैया। पतिव्रता का मतलब क्या होता है मेरी मां? क्या? जो अपने पति के सिवा पराए पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराए पुरुष का चिंतन ना करे वो पतिव्रता। और जो पुरुष सपने में भी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत का, पराई स्त्री का चिंतन ना करे वो पत्नीव्रता पति होता है। पत्नी भी हो पतिव्रता और पति भी हो पत्नीव्रता। तुम्हारा भी पति एक हो और तुम्हारी पत्नी भी एक हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो बस। हमारे यहां सनातन धर्म में एक पति होता है और एक ही पत्नी होती है, दो दो का कोई
काम नहीं। एक नारी ब्रह्मचारी तो पत्नी कैसी हो? पतिव्रता। तो आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? और कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? अरे खलबली मच गई भाई, ऐसा क्या पूछ लिया हमने? खड़बड़ खड़बड़ हो गया सब, सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। तो आप में से कितने कितने पतियों की पति पत्नी व्रता है? पुरुष पुरुष को कैसा होना चाहिए बोलो, ये बोलिए सभी बंदी भाई, पतियों को कैसा होना चाहिए? पत्नी व्रता, पत्नी व्रता मतलब अपनी पत्नी के सिवा कोई नहीं। और पत्नियां कैसी हो? जोर से, पति के सिवा। हाँ, ओ बिन परमेश्वर सुना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सुना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर की शोभा ना होगी, ऐसे नारी के पास पति ना हो तो नारी की शोभा नहीं होती। मैया और भैया एक सवाल पूछूं, उत्तर देना। 20 करोड़ रुपए का सवाल है, यदि सही उत्तर दोगे तो 20 करोड़ रुपए आपकी खोपड़ी में, 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में उतर जाएगा। एक प्रश्न है मेरे पास जो 20 करोड़ रुपए का है, कहो तो पूछूं, पूछ लूं? हाथ उठा के बताओ, पूछूं कि नहीं? उत्तर देंगे मेरे बंदी भाई? तो सुनो मैया, आप भी उत्तर दोगी? तो प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। बताओ, 20 करोड़ का सवाल है, बताओ आप लोगों ने विवाह क्यों किया? बताओ आप लोगों ने विवाह क्यों किया? ये भैया बताएंगे, आपने विवाह किया? हाँ, क्यों किया? बच्चे पैदा करने के लिए? वंश वंश बढ़ाया? हाँ, वही तो हुआ, बच्चा पैदा करने के लिए। तो जब बच्चे पैदा होंगे तभी ना वंश बढ़ेगा। ठीक कहा आपने, पर 20 करोड़ नहीं मिलेंगे ऐसे में, गलत उत्तर है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं। हम लोगों ने बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया ही नहीं था। विवाह का मूल उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको, मूल उद्देश्य। ये बच्चे बच्चे तो सब हो ही जाएंगे, जाएंगे कहां? विवाह क्यों किया आप लोगों ने? मैया आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? हाँ, घर बसाने के लिए, पतिव्रता बनने के लिए। आपको भी 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। ये भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया वर्दी में है, आपने किया विवाह? सही बताओ, क्यों किया? नहीं पता? विवाह कर लिया, नहीं पता?
देखो 20 करोड़ का प्रश्न है, कोई सस्ता थोड़ी पूछा है आपसे। हाँ हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवाह करने की क्या जरूरत थी? बिना विवाह के मोक्ष नहीं मिलता क्या? हाँ मैया, ठीक है बैठो। हम लोग विवाह क्यों करते हैं, इसका मूल कारण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में विवाह क्यों किया जाता है, इसका जानते हो कारण? बच्चे पैदा करने के लिए विवाह नहीं करते, बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे, और बच्चे तो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। हमारे यहां बच्चे पैदा करना उद्देश्य है ही नहीं। फिर वंश बढ़ाने के लिए, वंश तो बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने विवाह क्यों किया, उत्तर दे दूं? क्योंकि हम हिंदुओं के यहां, हम सनातनियों के यहां बिना विवाह के यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। हम लोग विवाह इसलिए करते हैं कि हम यज्ञ के अधिकारी बन जाएं। हमारी पत्नी हमें यज्ञ का अधिकारी बनाती है, हमारा पति हमें यज्ञ का अधिकारी बनाता है। भगवान राम को भी यज्ञ करने की परमिशन नहीं मिली कि आपकी पत्नी वनवास में है, आपको यज्ञ नहीं किया जा सकता, आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर क्या करो, सोने की सीता, सोने की सीता बनाकर भगवान राम ने बगल में बिठाए, तब जाकर के वो यज्ञ किए। जब आपका विवाह होता है मंडप के नीचे, तो कुछ आहूतियां पुरुष डालता है, तो कुछ आहूतियां स्त्री डालती है। हाँ, ना तो अकेले स्त्री हवन कर सकती है, ना तो अकेले पुरुष यज्ञ कर सकता है। दोनों साथ में रहोगे तो यज्ञ के अधिकारी बनोगे। इसलिए सुनो, पति पत्नी जब तक हो, सुहागन हो, पत्नी है, तो सारे यज्ञ के काम, पूजा पाठ के काम कर लो, क्योंकि पत्नी के ना रहने पर या पति के ना रहने पर तुम यज्ञ, बहुत सारी पूजाएं हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी। जब शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों को, दुल्हन दुल्हा को सत्यनारायण भगवान की पूजा में जोड़े से बिठाया जाता है। हाँ या ना, जोड़ा है तो पूजा के अधिकारी हो, जोड़ा नहीं है तो ठीक है, फिर नाम जप करो, केवल सीताराम सीताराम जपो, फिर आप कोई पूजा पाठ में बैठने के अधिकारी। अब आप बैठते हो तो आपकी मनमानी है, पर आपको अधिकार नहीं है। अधिकार तो पत्नी और पति जोड़े से होंगे तो ही आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। शास्त्र आदेश करता है। तो विवाह क्यों किया, ताकि विवाह से हमें यज्ञ का अधिकार प्राप्त हो। हाँ या ना, रही बच्चों की बात, तो किसान खेत में गेहूं बोता है ना, तो गेहूं तो मिलती है, पर फ्री में एक चीज मिलता है, बताओ क्या? जोर से, भूसा। क्या मिलता है? किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं मिलती है, पर साथ में भूस मिलता है, भूसा, भूसा समझते हैं ना? हाँ या ना। हाँ, उसी तरह हमने विवाह किया था यज्ञ का अधिकारी बनने के लिए। ईश्वर को पाने में हमारी पत्नी, हमारा पति सहयोगी है। ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी पत्नी और पति है, इसलिए हम लोगों ने विवाह किया। अब रही बच्चों की बात, तो गेहूं मिल गया है, भगवान की तरफ मन लग गया है, तो ये बच्चे बच्चे तो हो ही जाएंगे, ये तो भूसे की तरह है। पद प्रतिष्ठा पैसा ये तो जाएगा कहां, ये तो हो नहीं है। मुख्य उद्देश्य, किसान कभी भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, गेहूं के लिए गेहूं बोता है। भूसा तो बाद में मिलता ही, फ्री में, ये तो बच्चे फ्री में मिल नहीं है, जाएंगे कहां? हाँ या ना। फिर किस किस को बात समझ में आ गई, तो लाओ 20 करोड़। हाँ। हाँ।
20 करोड़ का ज्ञान है, भूल मत जाना। तो आप सबके पास 20 करोड़ का ज्ञान पहुंचा के नहीं? मैया देखो धन्ना सेठ बन के जाना आज घर, आज हम बड़े पैसे वाले बन के आए हैं। तो देखो इसलिए पति पत्नी जोड़े से तुम भागवत सुन लो, पति पत्नी जोड़े से तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो, पति पत्नी जोड़े से तुम तीर्थ यात्रा कर लो, सारे काम जोड़े से कर लो। बाद में जब जोड़ा नहीं होगा तो केवल नाम जप करना, नाम जप तो अभी भी करो, पूजा अभी भी करो, पर बाद में फिर अकेले भगवान से केवल नाम जप रह जाएगा, फिर तो आप पूजा कोई कर नहीं सकते ना, बताओ हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं? किस किस को समझ में आई? हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में सब व्रत है बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक पति व्रत, नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? पति व्रत। एक पति व्रत रहे जगत में सब व्रत है बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार, जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। इसलिए मेरी माँ आप लोगों के एक ही व्रत है, इसलिए जब पति हो तो पति से बोलो चलो भागवत सुन लेते हैं, आओ वृंदावन, दोनों पति पत्नी जोड़े से भागवत जी सुनो। आप जोड़े से जो काम करेंगे, केवल पिंडदान करते समय पत्नी नहीं होती पास में, तर्पण करते समय पत्नी की आवश्यकता नहीं होती, बाकी कोई भी पूजा भगवान से जुड़ा कार्य होगा, पितरों से जुड़ा कार्य होगा, उसमें पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें पति अकेला सब कार्य कर लेता है। पितरों के लिए जो कार्य होगा वो पुरुष करेगा, पर भगवान से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो पत्नी का होना आवश्यक। अब यहां आप लोग एक सवाल कर सकते हो कि महाराज जी जिसका पति नहीं है, अकेली पत्नी है, तो क्या वो भागवत नहीं सुन सकती? भागवत सुन सकते हैं, भागवत, केवल भागवत सुन सकते हैं आप। राजा परीक्षित ने अकेले भागवत सुनी थी, बाकी जो यज्ञ का कार्य है, हवन करना, आहुतियां डालना इत्यादि जो और कार्य हैं, उसमें इसमें तो ये आहुति आपके कानों से भीतर जा रही है आपके हृदय तक, भागवत सुन सकते हैं। पुरुष अकेला सुन सकता है, पत्नी अकेले सुन सकती है। सामान्य घर की पूजा, भगवान को नहलाना धुलाना, ये आप जोड़े से करो तो अच्छा है, अकेले भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर जो संकल्पित बड़ी पूजाएं हैं उनमें विशेष यज्ञ है। हमने केवल यज्ञ की बात करी कि यज्ञ का अधिकारी पत्नी बनाती है, बाकी घर की जो सामान्य पूजा है उसमें गोपाल जी की पूजा स्त्री करती है और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष करता है। स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी है, इसलिए दोनों का होना पूजा में आवश्यक है। अब नहीं है कोई किसी कारणवश तो ठीक है, वरना नियम तो यह है कि पति पत्नी दोनों तुम घर में भी साथ में पूजा, और कितना अच्छा लगेगा जब जोड़े से तुम बैठ के भगवान की पूजा करो साथ में, कितना अच्छा है। वो तो अब पति आलसी है, पत्नी पूजा कर रही है, पति सो रहा है। फिर भी पति को घर के शालिग्राम भगवान को तो नहला देना चाहिए। पुरुष वर्ग ही घर के भगवान की शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष करे, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं। भगवान देखो पति कौन होता है मैया, बिन परमेश्वर। तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं, कितनी स्त्रियां भगवान मानती हैं? मैया आप क्या मानती हो पति को? सही भगवान? नहीं महाराज, आप क्या मानती हो अपने पति को? भगवान? तो पति भगवान टाइप का है भी कि नहीं? शराब वराब तो नहीं पीता, सिगरेट तंबाकू? पतियों को भी थोड़ा ना क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। पत्नी तो भगवान मानने को तैयार है, पर क्या तुम भगवान बनने योग्य हो? शराब पी के पड़े हो गंदी नाली में, कैसे माने तुम्हें भगवान? गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तुम भगवान लायक हो? राक्षस लायक भी नहीं हो। अघोरी मत बनो। पत्नी यदि भगवान मान रही है तो आप भी पत्नी का आदर कीजिए। तो कितनी पत्नियां भगवान मानती हैं और मानेंगी? ये हमारी मैया आप लोग नहीं मानती हो पति को भगवान? मानती हो? और कितने पुरुष लोग अपनी पत्नी को भगवान मानते हैं? पत्नी भी भगवान होती है। कितने पुरुष अपनी पत्नी को भगवान मानते हैं बताओ? कौन सा भगवान होती है पत्नी? कौन से भगवान? लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी तो माता है, हम भगवान की बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी कौन से भगवान है? फिर तो माता हो गई तुम्हारी, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी भगवान नहीं, लक्ष्मी माता है। भगवान तो है, श्रेष्ठ है, पत्नी भगवान है। बताओ कौन सी भगवान? अरे अभी बताया तो था, मोहिनी भगवान। पत्नी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी अवतार। तो सबकी पत्नी आपके, अच्छा बताओ आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? हाँ, तो फिर पत्नी कौन है? मोहिनी भगवान। भगवान नारायण ने स्त्री का अवतार लिया था इसलिए कि हर पुरुष अपनी स्त्री को भी भगवान के रूप में देखे कि ये मोहिनी भगवान ही मेरी पत्नी बनकर मुझे सुख दे रहे हैं, भगवान ही मेरी सेवा कर रहे हैं, भगवान ही हमारे आस पास है। तो पत्नी भगवान को क्या माने? भगवान। और पति भी भगवान को क्या माने? पति पत्नी को क्या माने? मोहिनी भगवान। तो भगवान हो एक दूसरे के, इसलिए हमारे यहाँ सब में भगवान देखा गया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
सर्वम खलविदं ब्रह्म, सब में ईश्वर है, तो पत्नी में भगवान है या नहीं? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भगवान है कि नहीं? हाँ या ना? और पत्नी पति में भगवान है कि नहीं? यदि पत्थर में भगवान है, कणकण में भगवान है, तो एक दूसरे का सम्मान भगवान की तरह करना। भगवान मानने का मतलब है अपनी पत्नी और अपने पति का सम्मान भगवान की तरह करो। अपनी पत्नी और अपने पति की इज्जत भगवान की तरह करो। हाँ या ना? मैया, ए मैया, क्या बोलती तू? पति भगवान है कि नहीं, इसमें क्या बोलती तू? मैया आप बताओ, पति भगवान है, इसमें क्या बोलना है आपको? है कि नहीं? हाँ या ना? कन्फर्म नहीं हुआ, इतना टाइम लगा। अच्छा सोच, बता रहे। हाँ अच्छा है, बगल में बैठा, नहीं कहोगी तो। आपकी पत्नी कौन? भगवान, मोहिनी भगवान। रिश्तों में बड़ी मधुरता होनी चाहिए, रिश्तों में बड़ा हंसना मुस्कुराना होना चाहिए। कई लोग ना शादी करने के बाद बंदरों का मुंह बनाए बैठे रहते हैं। अरे थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी है, हंस लो मुस्कुरा लो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे रिश्तों में ना अच्छा, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। चलो एक इस पूरे मैटर को अब खत्म करेंगे। समझ में बात आ गई सबको? अब बस आखिरी बात कह के इस पूरे सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। अब बस एक बात बता दो हमें, आखिरी एक आखिरी सवाल। ये सवाल भी यदि हम कहें कि 30-40 करोड़ का है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। 40-50 करोड़ का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ये महंगा आया है, थोड़ा कठिन है। 50 करोड़ रुपए का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तैयार हो उत्तर देने के लिए? 50 करोड़ का सवाल, सही उत्तर दोगे तो 50 करोड़ का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। प्रश्न पूछूं मेरी मां, 50 करोड़ का प्रश्न है, सुनो। आप सबको ये बताना है, यदि आप पत्नी हो, पति हो, पिता हो, मां हो, जो हो, आप बस ये बताओ कि जब आपका आखिरी समय आएगा, जब मृत्यु का आखिरी समय आएगा और सिर्फ आपके पास एक मिनट होगा, यमराज जी कहेंगे चलो, और आप कहोगे यमराज जी बस एक मिनट का टाइम दो, और जब यमराज जी आपको एक मिनट का टाइम देंगे, सिर्फ 60 सेकेंड, माना कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके पास ओनली एक मिनट बचा है, एक मिनट बाद मरना है। उस एक मिनट में पत्नी अपने पति से क्या कहेगी, पिता अपने पुत्र से क्या कहेगा, पति अपनी पत्नी से क्या कहेगा, और माँ अपने बेटे से क्या कहेगी, और बेटा अपनी माँ से क्या कहेगा? बस मुझे ये उत्तर दो आप सब लोग कि जब आपके पास ओनली एक मिनट बचेगा तो आप अपनी माँ से, पत्नी से, पति से, बच्चों से क्या कहना चाहोगे? कहो। क्या कहोगे आप आखिरी एक मिनट में? क्योंकि आखिरी वक्त तो हम सबका आना ही आना है कि नहीं आएगा? आएगा, और एक वो आखिरी एक मिनट भी आएगा कभी ना कभी। तो बस अभी से वो एक मिनट की बातें अभी से स्टार्ट कर लो। बस मुझे कंफर्म करके बताओ, मैया आप अपने पति से क्या कहोगी आखिरी एक मिनट में? ऐसे ही हंसते हंसते गुजार दोगी, गया तुम्हारा मिनट? ये दादाजी मूछों वाले बताएंगे। हाँ हाँ आप बताओ, आप बैठे रहो, आप अपने आखिरी एक मिनट में अपने बच्चों से क्या कहोगे?
कुछ सोचा विचारा है? क्या कहोगे आखिरी एक मिनट में अपने बच्चों से? तिलक लगाओगे? बच्चों से बेटे से क्या कहोगे? हाँ, ये हमारे बंदी भाई बताएंगे, आप आखिरी मिनट में अपने बच्चों से क्या कहोगे, अपनी पत्नी से क्या कहोगे, आखिरी एक मिनट में कहो जरा। सुनो, हम बता दें कौन क्या कहेगा, कौन कौन सुनना चाहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इस भजन में खड़े ना होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि आप एक मिनट के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, हमारा संदेश आ गया, यमराज जी आ गए, चलो। तब हमने रोते हुए कहा, हे यमराज जी, एक मिनट का समय, देखो जब हम मरेंगे ना, अभी हमारे पास समय बहुत है, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके समय गवाते हैं। जब हमारा सारा समय खत्म होगा ना, तो आप लोग एक एक मिनट के लिए रोएंगे, एक एक मिनट के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो मेरी माँ। किस तरह आपके जाने के बाद आपका परिवार आपके लिए रोता है, किस तरह आपके जाने के बाद आपके अपनों को आपकी यादें आती हैं। सारे लोग रो रहे थे कि तभी मैंने यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, कृपा करो एक मिनट का टाइम दे दो। यमराज जी बोले, सारी जिंदगी दी तो थी तुझे, 70, 80, 90 साल दिया, एक मिनट का क्या करेगा। ना प्रभु, वो 80, 90 साल में जो समझ में ना आया, वो अब एक मिनट में समझ में आ गया। मेरी माँ, रिश्ते अनमोल होते हैं, जो बातें करनी है कर लेना, जो समय प्यार से गुजार सको गुजार लेना, क्योंकि एक दिन या तो आप नहीं होंगे या तो हम नहीं होंगे। इसके लिए एक भजन सुनाता हूं, सुनिएगा और उस भजन की प्रत्येक लाइन में अपने को स्थापित कीजिएगा कि मैं वहां हूं और मैं एक मिनट की पुकार कर रहा हूं। आपके लिए एक भजन है जो आखिरी में काम आएगा आपके लिए, अभी कह देता हूं, आखिरी में मेरा आपसे मिलना हो ना हो तो भजन सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आया तो एक पिता का बुलावा आया। अब आप में से जितने लोग पिता बन चुके हैं, बस ये समझो कि यमराज जी का बुलावा आया और आपने कहा, हे यमराज जी, बस एक मिनट दे दो, तो आपने एक मिनट मांगा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता मरने लगे तो यमराज जी से एक मिनट मांगा, कहा, एक मिनट की मोहलत दे दो,
करूं बेटा से बात। अब एक बाप अपने बेटे से क्या कहेगा, आप लोग जरा याद कर लेना, यही कहना बच्चों से। एक बाप बोला, एक मिनट की मोहलत दे दो हे यमराज जी, एक मिनट करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, एक बाप बोल रहा है, बेटा तुम भाई भाई प्यार से रहना, मैं जा रहा हूं, आपस में लड़ाई मत करना। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यों राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यों राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाओ मैं चला। एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें, और आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाई भाई के हैं। जो भाई तुम दोनों साथ में एक साथ रोटियां खाया करते थे, एक थाली में दोनों जन खाया करते थे, आज तुम बड़े हो गए तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे तुम बच्चे थे तो ही अच्छे थे, कम से कम भाई भाई में प्यार तो था। तुम इतने बड़े क्यों हो गए कि तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए? भाई भाई में झगड़ा हो तो घर पर ही सुलझा लिया करो भैया, तुम्हारे घर के झगड़े कोर्ट कचहरी तक ना आए। जमाना हंसता है कि देखो भाई भाई लड़ रहे हैं, हमारे यहां तो भाई कैसा हो, राम और भरत की तरह हो। कि भाई राम ने भरत के लिए राज्य छोड़ा तो भैया भरत ने भी राम के लिए राज्य छोड़ दिया। यहां पकड़ने का नहीं था, छोड़ने का था। राम ने भी छोड़ा अयोध्या को भरत के लिए, और भरत जी ने भी छोड़ा अयोध्या को राम के लिए। ये भाई है हमारे यहां का। इसलिए प्रार्थना करता हूं, भाई भाई मत लड़ना। बड़े भाई ने गलती की या छोटे भाई ने गलती की, छोटा है तो माफ कर दो और बड़ा है तो माफी मांग लो। बड़ा है माफी मांग लो, कोई बात नहीं भैया गलती हो गई। अच्छा, गले मिलकर रहोगे तुम्हारे बच्चे अच्छा सीखेंगे, लड़ोगे तुम्हारे बच्चे बहुत गलत सीख जाएंगे। हाँ, और सुनो, जब तुम भाई भाई लड़ते हो ना तो तुम्हारे बाप दादे ऊपर से रोते हैं, हे भगवान मेरी औलाद आपस में लड़ रही है। पिता ने कहा प्यार से रहना, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक सासू मां मरने लगी तो दोनों बहुओं को बुलाया, बेटा मैं जा रही हूं, एक सास अपनी बहू से क्या कहती है जरा सुनिएगा। सास बोली, एक मिनट की मोहलत दे दो हे यमराज जी करूं बहू से बात। सास कहती है, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यों राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यों राम को। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभाया, बहू अब तुम इस परिवार को टूटने मत देना। स्त्रियां चाह लें तो किसी परिवार में झगड़ा ना हो। ये बात सही है कि गलत, हम पूछ रहे हैं, बताओ। स्त्रियां चाह लें तो किसी भाई भाई में झगड़ा ना हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग सही मानते हैं इस बात को? आप स्त्रियां भी मानती हो ना कि स्त्रियां चाह लें तो कभी घर में झगड़ा ना हो। तो मेरी मां चाहती ही क्यों हो कि झगड़ा हो?
यदि तुम्हारे ही हाथ में है तो क्यों नहीं अपने घर को स्वर्ग की तरह बना के रखती हो? क्यों आपस में लड़ झगड़ के नरक बना लेती हो जीवन को? देवरानी जिठानी दो ही हो तुम लोग, लेकिन दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हो। चार पांच लोगों का परिवार है, लेकिन चार पांच लोगों के बीच में रहने तुमने नहीं सीखा। तुमने बड़ी बड़ी डिग्रियां पाई, बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा पाई, लेकिन तुमने परिवार को मैनेज करना नहीं सीखा। फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट करना आपने शायद सीखा हो, बड़े बड़े कारोबार को, बड़े बड़े बिजनेस को मैनेज करना शायद आपने सीखा हो, लेकिन समझदार वो है जो पहले परिवार को मैनेज करना सीख ले। परिवार को, सास को, बहू को, देवरानी को, जिठानी को कैसे मैनेज करना है, ये भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी बच्चों को बचपन से ही बताया करो कि रिश्तों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। रिश्तों को मैनेज करने का एक ही मंत्र है, कहो तो बता दूं। रिश्तों को मैनेज करने का एक मंत्र है, कहो तो बताऊं, किस किस को बताऊं? ठीक है, अपनी एक उंगली उठाओ सब लोग, इसको सब लोग उठाओ। मैया इसे यहां रखो। ये हो गए रिश्ते मैनेज। रिश्तों को मैनेज करना हो तो तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी कुछ भी बोलता या बोलती रहे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। गुस्से के समय पर सामने वाला गुस्से में है, आपको कोई उत्तर नहीं देना, रिश्ते मैनेज हो जाएंगे। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब आप बोलते हैं। तो कितने लोग ये उंगली का प्रयोग करेंगे आज से? उठाओ उंगली, एक उंगली यहां रखो। जिठानी कुछ बोलेगी तो आप क्या करेंगे? जोर से चुप रहेंगे। रिश्तों को मैनेज ऐसे किया जाता है। क्या जरूरत है बोलने की? जहां जरूरत बोलने की है वहां बोला जाए, पर बोलने के लिए भी पहले शब्दों का चयन किया जाए कि कौन से शब्द बोलना है और कौन से शब्द नहीं बोलना है। जब आप बगिया जाते हो ना, बगिया बगिया, तो बगिये से पुष्प तोड़ कर लाते हो, तो भगवान के लिए जो पुष्प लाते हो ना, तो बगिया में जो बढ़िया बढ़िया पुष्प होते हैं वही तो तोड़ते हो ना। उसी तरह रिश्तों की बगिया को सजाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना सीखो कि कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग। कई बार शब्दों के कारण महाभारत हो जाता है, हाँ या ना? तो आप लोग चुप रहेंगे। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। चलो मैया बताओ, एक पत्नी जब मरने लगी तो यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, आज करवा चौथ का दिन था, पत्नी ने व्रत रखा था पति के लिए, पति का इंतजार था, पति थोड़ा लेट, क्या हुआ? यमराज जी आ गए, चलो तुम्हारा समय हो गया। पत्नी बोली, महाराज एक मिनट दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहती हैं। तो आप लोग बताओ क्या कहोगे अपने पति से? वो पत्नी बोली, हे यमराज जी, एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलाओ आ क्यों राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलाओ आ क्यों राम को। पत्नी ने बोला कि मेरी मांग भर दीजिए। पत्नियां तो यही चाहती हैं कि मैं जब तक जीऊं सुहागन रहूं,
इसलिए आप अपने पति से, अपनी पत्नी से अच्छे व्यवहार रखो मेरी माँ। यदि हमारे द्वारा हम अच्छे से बोलें आपसे और हमारे अच्छे प्रेम से बोलने से यदि आपको खुशी मिलती है तो क्यों ना मीठे शब्द बोलकर आपको खुश कर लिया जाए। खर्चा क्या है, बाद में रोने के लिए ना रह जाए, पश्चाताप करने के लिए ना रह जाए। हाँ, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। हाँ, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। कन्हैया आखिरी बात भगवान से, कौन कौन करेगा, कर लो, बैठे हैं सामने, बात करो क्या करना है। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा, कन्हैया सुन रहे हो ना, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो हो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मोतियन से भर दो म्हारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लगी, उसकी बेटी एक थी, एक छोटा बेटा था, पति थे नहीं। यमराज जी आए, माँ ने कहा यमराज जी अभी मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, 5 दिन बाद, कुछ दिनों बाद बेटी का विवाह हो जाएगा, तो मुझे बाद में ले चलना, मैं बेटी का विवाह कर दूं, क्योंकि मेरे सिवा कोई नहीं है इसका कुछ करने वाला। यमराज जी ने कहा नहीं, सबसे निर्दयी मृत्यु होती है, वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं, तुम्हारे घर में कोई करने वाला है कि नहीं है, सबसे निर्मम निर्दयी मृत्यु होती है। माँ तो यमराज जी बोले चलना पड़ेगा, तो अच्छा एक मिनट दे दो। तो समा ने कहा एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। माँ बोली बेटा मन की तमन्ना मन में रह गई, मेरे मन की तमन्ना मन की तमन्ना थी मैं तेरा विवाह करूंगी, तुझे विदा करूंगी। मन की तमन्ना मन में रह गई, वीरा वीरा मतलब तेरा भाई, वीरा भरे गोथारो भात, बुलावो आग्यो राम को। मतलब तेरा भाई अब तेरा विवाह की सारी रस्में आगे पूरी करेगा, मैं चली। एक बहन को एक छोटे भाई के भरोसे सौंप कर एक माँ जा रही है, यमराज जी लेकर जा रहे हैं। इसलिए बस ये भजन आपको इसलिए सुनाया गया
कि बस आप ये समझो कि रिश्तों की कितनी कीमत है। अभी हम लोग मजाक में रिश्तों को टालते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिश्तों की बहुत कीमत है, और सुखी वही है जो अपने हर रिश्ते से खुश है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बच्चे जैसे हो, माँ जैसी हो, पिता जैसा हो, प्यार करो, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े में भरोसा ना करो। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में हंस लो। पत्नी से बाद में तुमने लड़ाई झगड़े में एक एक महीना गवा दिया। कुछ पति पत्नी में लड़ाई होती है, एक एक महीने का बैर हो जाता, बोलते ही नहीं। सोचो जो समय तुम प्यार मोहब्बत से गुजार सकते थे वो समय तुमने लड़ाई झगड़े में गुजार दिया। तुमने बैर रखा एक महीने का, एक हफ्ते का, एक दिन का, क्या मिला? इसलिए प्यार से बोलो, बोल लो। आखिरी में जब पत्नी चली जाएगी ना तो पति बोलता है कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। पति जब मर जाएगा तो पत्नियां बोलती हैं कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। जब बोलने योग्य था तब तुमने कुछ बोला ही नहीं, जब सुनने योग्य था तब कुछ कहा ही नहीं, जब सुनने लायक थी तब तुमने कुछ कहा नहीं। पत्नी मर जाएगी ना तो पता चलेगा कि पत्नियों की कीमत क्या होती है। इसलिए पत्नी जिंदा है, पत्नी का सम्मान कीजिए। पति जिंदा है, पति का आदर कीजिए। माँ बाप जिंदा है, माँ बाप मर जाएंगे ना, बेटा रोएगा फोटो के पास, माँ माँ माँ, रोने से काम ना होगा। माँ जिंदा है, माँ की सेवा करो। रोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोने के लिए तो मरने पर, हमारे मरने पर हमारे दुश्मन भी आके रोएंगे, क्या बड़ी बात है। आप मर जाओगे ना, जो आपको आज गालियां देते हैं वो भी आपके मरने पर रोएंगे। रोना बड़ी बात नहीं है साहब। सवाल ये नहीं है कि आपके मरने पर रोएगा कौन, सवाल ये है कि आप जब तक जिंदा थे क्या आपने उन रिश्तों की कीमत समझी, क्या रिश्तों की कदर की। मैं मर जाऊंगा बहुत लोग रोएंगे, लेकिन जब जिंदा हूं तो क्या लोग साथ दे रहे हैं, दे रहे हैं तो अच्छा है। इसलिए मरने के बाद जनाजा उठाने, मरने के बाद कंधा उठाने तो दुश्मन भी आएगा साहब, साथ देने वाला कोई चाहिए जीते जी। इसलिए प्यार मोहब्बत से रिश्तों को मजबूत करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। बात समझ में आ रही है? मुस्कुराओ, हंसो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो। माँ, माँ को भगवान की तरफ पूजो। मर जाएगी तो रोओगे, माँ मत रोना बाद में। जिंदा है, खूब सुख दो माँ को, खूब प्यार करो माँ से, खूब सेवा करो माँ की, खूब सेवा करो पिता की। मर जाएगा तो रोने की जरूरत नहीं है, सेवा कर लो बस। जीते जी आपने मेरे साथ जीते जी क्या व्यवहार किया, ये मुझे अच्छा या बुरा लगेगा। मरने के बाद तो लोग शॉल उड़ाएंगे, चादर उड़ाएंगे और पुष्पों की माला पहनाएंगे। ना मुझे मरने के बाद आपके पुष्पों की जरूरत रहेगी, ना शॉल चादर की जरूरत रहेगी। मुर्दे को ना ठंडी लगती है, ना उसे सम्मान की भूख होती है। लेकिन विडंबना देखो, आदमी जिंदा होता है लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते हैं, और मर जाने के बाद कंधों में उठा उठा करके ले जाते हैं। मरने के बाद जितना उठाया है साहब, जीते जी इतना उठाया होता तो आज कुछ और होता। मरने के बाद ही लोग उठाते हैं, जीते जी तो खींचते हैं पकड़ कर, आगे ना बढ़ने पाए, आगे ना निकलने पाए। जिंदा थे तो एक रुमाल नहीं दिया किसी ने, मर गए शॉल चादर माला, वाह। जिंदा थे, समय नहीं मिला तुम्हें प्यार से दो बातें करने का, मर गए तो रो रहे हो। क्यों रो रहे हो, क्या बात करने का समय था? नहीं था, रोने आ गए बस। फॉर्मेलिटी है साहब, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। ये दुनिया भी तुम्हारे मरने में रोने इसलिए आती है कि तुम्हारे मरने में वो नहीं आएंगे तो उनके मरने में कौन जाएगा। इसलिए लोग रोते भी इसलिए हैं, क्योंकि व्यवहार चुकाना है, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए। हाँ या ना, हमारे जिंदा रहने से और हमारे मरने से किसी को कोई फर्क, बताओ फर्क पड़ता है क्या? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि हमारे मरने के बाद
कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा। तब भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में अस्त होंगे, तब भी होली दिवाली मनाई जाएगी। बस ये अभिमान मिटा दो मेरी माँ, और रिश्तों को बेहतर जियो, बेहतर बनाओ। किस किस को बात समझ में आ गई? रिश्तों में क्या होना जरूरी है? चार ऑप्शन दूंगा। रिश्तों में क्या होना जरूरी है? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? रिश्तों में क्या चाहिए? पैसा, प्यार, सहनशीलता, समझदारी? जोर से, क्या? हाँ, पैसे तो आ जाएंगे, प्यार हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी। रिश्ते उन्हीं के टिकेंगे जिनके रिश्तों में सहनशीलता है। थोड़ा सहना पड़ता है, दो बातें तुम सहो, दो बातें हम सहें, तो रिश्ते टिकते हैं। आजकल के लोग सहते नहीं है, इसलिए रिश्ते रहते नहीं। पत्थर भी जब छेनी और हथौड़े की चोट सहती है, तब जाकर पत्थर भगवान कहलाता है। जो पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट खाकर टूट गया, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो मेरी माँ, सहने वाला पत्थर शंकर होता है और ना सहने वाला पत्थर कंकड़ होता है। तो रिश्तों में भी दो बातें सहन करने की गुंजाइश रखो, दो बातें सहन करो। सहन किया होता तो रिश्ते ना टूटे होते, इसलिए दो बातें बर्दाश्त करो। जैसे भगवान कृष्ण ने 100 गालियां बर्दाश्त करी, कुछ बर्दाश्त करो, सहो। जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ मेरी माँ। क्या बढ़ाएंगे मैया? ओ मेरी माँ, क्या बढ़ाओगी मेरी माँ? जोर से, सहनशीलता। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। गोपियां बोली, आप हमारे पति हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचाए, रास का मतलब हमने आपको समझाया। तभी गोपियों को अभिमान हो गया और भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान चले गए। जहां अभिमान होता है वहां भगवान ठहरते नहीं, भगवान चले गए। और जब गए तो सारी गोपियां विरह में रो पड़ी, हे कृष्ण कहां हो। आपस में कृष्ण की लीलाएं करने लगी, कृष्ण के चरण धूली जो पांव बन गए, चरण चिन्ह बन गए, उसके आधार पर आगे बढ़ने लगी। आपस में कहती जा रही हैं कि कृष्ण ने हमें छोड़ दिया सखी, अब तो हम मर जाएंगे। सारी गोपियां रोने लगी। तभी राधा रानी को भी श्याम सुंदर ने छोड़ दिया। राधा रानी बोली, मैं थक गई हूं। भगवान बोले, आओ कंधे पर बैठो। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और राधा रानी कृष्ण के वियोग में मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान की समस्त गोपियां भगवान को पाने के लिए रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। और जब रोई तो रोकर एक गीत गाया सभी गोपियों ने, गोपियों ने गाया, गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रिया शाश्वदात्रे दयति दश्यता दीक्षुता वैकृता कागज। सारी गोपियां रोने लगी और रो करके गोपियों ने एक गीत गाया, गीत गोपियों ने गाया, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः। हे कृष्ण,
अधिकम जयति जन्मना ब्रजा। जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ तब से आपकी ख्याति अधिकम जयति, जय जयकार आपकी अधिक हो गई है। हे प्रभु हमें छोड़कर कहाँ चले गए, सारी गोपियां रोने लगी। शरदुदाशये साधु जाते सरसी जोदिरा श्री मुषाद्रशा सूरत नाथ ते। सारी गोपियां बोली निःशुल्क दासी का, हम आपके निःशुल्क कोई मोल नहीं लेती आपसे, बस आपसे प्रेम करती हैं। हे गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चले गए। विष जला पया, मारना था तो कालिया नांग के जहर से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता श्याम सुंदर। गोपियां किसी ने कहा तो अभी मर जाओ, बोली तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम कथा रूपी अमृत पी चुके हैं अब मरे कैसे। सारी गोपियां रो पड़ी, अब तो कृष्ण के वियोग में गोपियां मर जाएंगी। देखो भगवान कब तक नहीं मिलते, जब तक भक्त चाहता नहीं, जब तक भक्त भगवान को के लिए तड़पता नहीं है। भगवान कब मिलेंगे, जब भक्त तड़पेगा। किस तरह, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, ऐसे जिस दिन भक्त तड़पेगा भगवान के लिए उस दिन भगवान का मिलना कठिन नहीं है, उसी दिन भगवत दर्शन की संभावना है। तड़पना पड़ेगा मेरी माँ, भगवान के लिए निश्चल प्रेम करना पड़ेगा। जब गोपियों ने प्रेम किया तो तासा मावीर भो छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर हस्त्रगवी साक्षान मन मथ मन मथा। सारी गोपियां जब रोकर पुकारी तब भगवान गोपियों के मध्य उनके विरह के कारण उनके प्रेम के कारण प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों के मध्य प्रकट होकर भगवान ने जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर महारास रचाकर गोपियों की कामना पूरी की और भगवान ने गोपियों के हर मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान गोपियों का सारा मनोरथ पूरा करते हैं। ये रास नित्य लीला, आज भी भगवान निधिवन में, वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, आज भी भगवान वहां रास की लीला नित्य लीला है करते हैं। ये रास का मतलब क्या है, क्या समझाया हमने आपको रास का मतलब क्या, जोर से, भक्त और भगवान का मिलन। ये देखो मिली गोपियां, सारा दुख दूर हो गया। बच्चा तब तक ही तो रोता है जब तक मां नहीं मिलती, माँ मिल जाए तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है। तो भक्त तब तक ही तो रोता है जब तक भगवान नहीं मिलते, मिल जाएगा रोना बंद। तो गोपियों को कृष्ण मिल गए, जैसे माँ को बेटा बेटे को माँ प्राप्त हो गई, उसी तरह भक्त को भगवान प्राप्त हो गए। इसके बाद भगवान वरुण लोक में, इसके बाद भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर की का उद्धार भगवान लीला की, सब गोपियां अपने अपने घर आईं। नित्य लीला ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं, रास लीला। केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा, भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए और भगवान को लेकर चले तो गोपियां बोली हम मर जाएंगी कृष्ण, आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम दो दिन में आ जाएंगे, दो दिन का कहकर भगवान चल पड़े। जिस रथ के आगे गोपियां लेट गई हमारे, अच्छा अब भगवान की लीला पूरी हो गई ना, अब भगवान को लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। कंस मथुरा का राजा था और भगवान वृंदावन में थे, तो भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए और लेकर के चले तो गोपियों ने रास्ता रोका कि आप मत जाओ। भगवान ने कहा दो दिन में आ जाऊंगा। जब कहकर भगवान चले, वृंदावन से भगवान मथुरा आए कंस को मारने, उस समय भगवान 10.5 वर्ष के थे। उस समय भगवान की आयु क्या थी, 10.5 वर्ष। भगवान मथुरा पहुंचे और मथुरा में भगवान उसके पहले अरिष्टासुर को, केसी व्योमासुर को मार चुके थे। मथुरा पहुंचे तो धोवी कपड़ों का गट्ठा लेकर के
राजा कंस के कपड़े लेकर जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, थोड़े कपड़े हमें भी दे दो। राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों दिया, राम जी की कुछ कथा वनवास क्यों दिया, इस बात पर थोड़ा कल हम प्रकाश डालेंगे। आज ही डालना था पर दूसरे विषय को हमने आप तक पहुंचाया। समय कम होता है, बातें ज्यादा होती हैं, कथाएं बहुत होती हैं, क्या क्या सुनाए, इसलिए आप लोग कभी वृंदावन आके भी सुनना कथा। कितने लोग वृंदावन आएंगे, हम आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे ही मेरे बंदी भाई रिहा होना तो बिहारी जी के चरणों में, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम करने, उनको नमन करने, उनके श्री चरणों में आना, कथा सुनना, और फिर अब ऐसा कोई काम ना करना कि फिर से जेल आना पड़े। कोई भी, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे कि उसे जेल आना पड़े। भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर, कुबजा, कुबजा की कुबड़ निकली थी। भगवान ने कुबजा से चंदन लिया और जरा चंदन सुंदरी हमें चंदन तो दे दो। भगवान ने जरा चंदन लिया और कुबजा से चंदन लेकर कुबजा की कुबड़ ठीक कर दी। भगवान ने अपने चरणों को उसके चरण में रखकर हल्की ठोकर मारी, कुबजा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बनाया कुबजा। ये कौन थी पिछले जन्म में बताओ? ये कुबजा पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? सूपनखा। ये पिछले जन्म में कौन थी? सूपनखा को जानते हैं आप लोग? मैया आप जानती हो सूपनखा को? क्यों, आपके पड़ोस में ही रहती है क्या? ऐसे सिर हिला रही है जैसे इनकी पड़ोसन हो। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण की कौन है? बहन। ये राम जी से क्या कहती है? हमसे विवाह कर लो। अच्छा, राम जी से विवाह करने का प्रस्ताव रख रही है, इसका प्रस्ताव गलत तो नहीं था भाई? राम जी से विवाह करना कौन नहीं चाहेगा? हाँ, तो सूपनखा ने राम को देखा और राम में दिल लग गया, तो भगवान में दिल लग जाना क्या बुरा था? तो भगवान ने कहा, इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी नहीं मिलेंगे तुम्हें। पर वही इस जन्म में कुबजा बन करके आई द्वापर में और भगवान को चंदन लगाती है, भगवान इसकी कुबड़ ठीक करते हैं और इस जन्म में भगवान कुबजा को स्वीकार करते हैं। इस जन्म में देखो, भगवान देर सवेर अपने भक्त को स्वीकार। अच्छा, कुबजा ने राम से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मुझे प्यार हो गया है आपसे, तो कुबजा ने क्या गलत कहा? भगवान से प्यार किससे नहीं हो जाएगा, है ना? उसका तरीका गलत था, ये अलग विषय है, पर है तो भगवान पर ही फिदा, तो क्या बुराई है? इसलिए कुबजा इस जन्म में, आज भगवान ने चंदन लिया कुबजा, इतना सा चंदन दिया कुबजा ने, भगवान ने सुंदर बना दिया, सब कुछ दिया। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए, भगवान ने इतना कुछ दिया। भगवान कहते हैं, पहले तुम दो फिर हम देंगे, तुम अपनी हैसियत से देना फिर हम अपनी हैसियत से देंगे। इसलिए पहले आप दो फिर भगवान देंगे। पहले किसान बोए, पहले किसान देगा फिर उसको उसकी माटी, उसका खेत वापस करेगा। पहले किसान बोएगा बीज, फिर खेत में फसल आएगी तो फिर मिट्टी वापस करेगी, हाँ या ना? अरे माटी भी 20, 25, 50 गुना करके लौटाती है किसान को, तो भगवान कितने गुना करके लौटाएंगे? इसलिए पहले दो फिर लो। आप लोग ना पहले देते नहीं है, सिर्फ लेते लेते हैं, इसलिए पहले दो। क्या देना है? जो देने के योग्य हो। सुदामा ने क्या दिया भगवान को? मुट्ठी भर
भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी ने मुट्ठी भर चिवड़ा दिया, पोहा चावल कहते हैं उसे, चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा दिया चावल। सुदामा ने टूटे फूटे चावल दिए, भगवान ने क्या दिया, जितने चावल भगवान ने लिए उस एक एक चावल की कीमत चुका दी भगवान ने। कई लोगों की संपदा लुटा दी सुदामा पर। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ईश्वर देने के लायक बनाए तो देकर पुण्य कमा लो, वरना पाप करने में तो देखो बहुत मन लगता है। पाप तो ना चाह करके भी बहुत होते हैं, पुण्य करने का अवसर मिले कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य ही पुण्य होता है, सवेरे से लेकर रात्रि तक वहां अन्न सेवा होती है, संत लोग आते हैं, प्रसादी लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप भी इनका आशीर्वाद लो, आप भी अपनी रसोई से थोड़ा अन्न निकालो और संतों तक पहुंचाओ, आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा 2% 5% कमाई का हिस्सा अन्नदान से जोड़ा करो, ताकि आपकी रोटी ये संत जन खाएंगे, साधु जन खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। अन्नदान बड़ा दान है, सबके बिना जीवन संभव होगा, क्या अन्न के बिना है? इसलिए मेरी माँ, आपके बेटे का जब भी जन्मदिन आए तो संतों को गौरी गोपाल भगवान की रसोई बटवा कर ही बच्चों का जन्मदिन मनाया करो। शादी की सालगिरह आए तो जरूर इन संतों का आशीर्वाद, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं आशीर्वाद जरूरी है, अन्नदान जरूरी है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। और मानव जाति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। ये दास तो केवल सेवा करता है। आप बताइए, सेवा से बड़ी कोई मानवता होगी? सेवा से बड़ा कोई धर्म होगा? सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति की सेवा। हाँ या ना? कल हमारे एक मुसलमान भाई भी बोल रहे थे, जो प्रश्नोत्तरी में यहाँ कच्चा मुसलमान भाई भी सुन रहे हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुरान पढ़ी और कुरान में भी उन्होंने पढ़ करके हमें बताया कि महाराज जी, कुरान में भी यही लिखा है कि मानव जाति की सेवा, हमारा पड़ोसी भरपेट खाए उसके बाद हम खाएं, यही लिखा है सारे धर्मों में। पहले सभी में, हमारे यहाँ क्या लिखा, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबकी सेवा सबका हित करना मनुष्य का धर्म है। इसलिए आप खाने के पहले गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन होता है, आप उन संतों के लिए 2 रोटी 4 रोटी जरूर निकालें, अपनी कमाई से कुछ हिस्सा संतों तक पहुंचाएं, एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाएं, या एक संत को भोजन करवाएं, या 11 संतों को भोजन करवाएं, या 51 संतों को भोजन करवाएं, या संपूर्ण संतों की सेवा करवाएं, आपके जरा से सहयोग से संतों की सेवा। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन मिलता है, ये सेवा ही तो है। कोई भी आए पेट भर खाए, ये सेवा है, इस सेवा से आप भी जुड़ो, ये सेवा का यज्ञ है। ये क्या है? सेवा का यज्ञ है। ये वो यज्ञ है जिस यज्ञ में अन्नदान दे करके आप भी इस यज्ञ में आहुतियां, यज्ञ में अन्नदान की आहुतियां देकर किसी के पेट की भूख मिटाकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार में बच्चों के जन्मदिन पर आप भी ये रसोई बंटवाकर हजारों भक्तों को, श्रद्धालुओं को, वृंदावन आए भक्तों को भोजन करा के अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बनो। लगभग 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल भगवान की रसोई में। आप लोग आकर अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप खुद आओ, अपनी आंखों पर विश्वास करो, हमारे कहने पर विश्वास मत करो। गौरी गोपाल भगवान की रसोई, वहां पर
गौ माता की सेवा, आप भी गौचर भूमि के लिए एक गज दो गज भूमि, गायों के लिए भूमि दान करके गौचर गौचर भूमि से जुड़े, एक गज दो गज चार गज भूमि देकर, गायों के लिए चारा भूसा खली चोकर देकर जुड़े। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के सहयोगी बने और आप भी बच्चों की सेवा से जुड़े। बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के लिए सहयोगी बने, कपड़ों का सहयोग, कोई पुस्तक का सहयोग, भोजन का सहयोग, जो बच्चे वहां नित्य भोजन प्रसादी करते हैं, एक दिन का भोजन आप। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो वृद्ध माएं जिन माओं के अपने बेटों ने, बेटियों ने, बहुओं ने, अपनों ने सताया, छोड़ दिया, ऐसी सताई ठुकराई वृद्ध माएं वहां रहती हैं, उन माओं को खिलाया जाता है। इन माओं का जब पेट भरता है तो भगवान का पेट भर जाता है साहब, इसलिए ये हमारी वृद्ध माओं के लिए आप लोग एक दिन का प्रसाद माओं के लिए, एक माँ को भोजन या 11 माँ को भोजन या संपूर्ण वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं। इन माओं के लिए आप लोग भी आश्रम बन रहा है एक, जहां 1000 वृद्ध माएं रहेंगी, अभी 275 माताएं हैं, 1000 वृद्ध माओं के लिए बड़ा सा एक स्थान बन रहा है जहां 1000 वृद्ध माँ रह सकेंगी। आप भी एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को दीजिए कि मेरी ओर से कमरा माओं को, या एक कमरे की छत आप डलवाइए, या एक माँ को आप गोद लेकर जीवन भर किसी माँ का सहारा बनिए, या आप आश्रम के निर्माण में एक ईंट या एक बोरी सीमेंट ही दे करके आप इन माओ के लिए आश्रम में सहयोगी बने, एक ईंट का भी सहयोग कर सकते हैं आप, जरा सा सहयोग कर सकते हैं आप, जिस लायक ईश्वर ने बनाया सहयोग कीजिए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्ध माओ के लिए सहयोग किया, भगवान से प्रार्थना करें कि आप जैसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें और जितना आपने दिया भगवान आपका कई गुना करके बढ़ा करके आपको दें, आपने जितना दिया है भगवान उसका कई गुना करके लौटाएं। नाम सुनते हैं दानवीर श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण कराने, एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए इस पावन कथा के लिए जिससे जुड़ने का सौभाग्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं, और साथ ही सीधा वृंदावन में चल रही इन पावन सेवाओं के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। आइए, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं अथवा संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप जितना सामर्थ्य रखते हैं, जितने सामर्थ्यवान हैं, उसी के अनुसार ही सही इन 275 माओं के लिए अगर आप अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएंगे, अगर आप ज्यादा नहीं किसी एक माँ का भी सहारा बनेंगे तो आपको पुण्य और आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आप वृंदावन से भी जुड़ जाएंगे और ये सेवाएं निरंतर यूं ही चलती रहेंगी। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए इतनी सुंदर प्यारी सेवाओं के लिए जो सीधा वृंदावन में चल रही है। आइए, नाम सुनेंगे उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है और पुण्य लाभ अर्जित किया है। आज की श्रेणी में आदरणीय श्री अंकुश जी मेवाड़ा, आप राजस्थान राजस्थान से, और आपने एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा के लिए जहां सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों लोग प्रसादी पाते हैं, एक दिन की संपूर्ण रसोई के लिए आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां अंकुश जी मेवाड़ा के लिए, आप संपूर्ण रसोई की सेवा का कार्यभार ले रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही त्रिपुरारी महतो पटना बिहार से 21,000 रुपए, उषा नित्यानंद जी आप सोलन से आप 21,000 रुपए, पुष्पलता जी नई दिल्ली से अपने बेटे के नाम से 11,000 रुपए, देवी जी आप 11,000 रुपए, रविंद्र जी जसरोटिया, कुलदीप जसरोटिया आप चंबा हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में सरस्वती बहन जी, वासुदेव जी मोदी आप गुजरात से आप 11,000 रुपए, गिरजाशंकर शुक्ला कानपुर से 11,000 रुपए, सीताराम जी नागरा बारह राजस्थान से 11,000 रुपए, विशुपाल जी असम से 10,000 रुपए, वीरभद्र जी रेशम जी भाटी आप देव भाटी नोएडा से 5,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। पब्लू कुमार दिल्ली से 51,000 रुपए, रविशंकर शर्मा जी गोरखपुर से आप 51,000 रुपए, सुमित्रा देवी करनाल से 5,000 रुपए, जयंती साहू जी उड़ीसा से 5,000 रुपए, आकाश जी लालवानी रायपुर से 4,200 रुपए, इंद्रजी जी हरियाणा से विजय, गोविंद सिंह जी मुंबई से विजय, पूनम साहू जी रीवा से आप भी विजय के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में कलावती देवी जी आप पटेल नगर से आप 3,500 रुपए, सम कुमार जी वर्मा आप 3,100 रुपए, मनदीप जी आप काकरिया पंजाब से आप 3,100 रुपए, रवि प्रकाश जी पटना से आप 2,500 रुपए, ओमी देवी गंगाराम जी आप मंगाराम देवड़ा जोधपुर राजस्थान से 2,100 रुपए, डॉक्टर टिंकू जी कौशिक महेंद्रगढ़ से आप 2,100 रुपए, रंजना अस्थाना फरीदाबाद से 2,100 रुपए, राजू जी बेंगलुरु से आप 2,100 रुपए, प्रेमदास जी सिंगल आप 2,100 रुपए, प्रियंका चोपड़ा आप हरियाणा से 2,100 रुपए, धीरज कुमारी बुलंदशहर से आप 2,100 रुपए, अजय कुमार जी मोहिते बेंगलुरु से आप 2,001 रुपए का योगदान दे रहे हैं।
शिव शंकर जी गुप्ता, किरण देवी बेगूसराय बिहार से, मुकेश दिबंगन रायपुर से, लालमुनि चौरसिया वाराणसी से, पंकज कुमार सिंह जी रांची झारखंड से, मंदोविया गुजरात से, सुनीरा देवी संतोष जी चौपाल मधुबनी बिहार से, स्वर्गीय पूनम राय जी के नाम से समस्तीपुर बिहार से, मुकेश कुमार आप दिबंगन सीधा दिबंगन रायपुर से, विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में विशेष सहयोग हरेंद्र सिंह जी आप तोमर जयपुर राजस्थान से, जटाशंकर शुक्ला आप भदोही से, गोवर्धन लाल जी मीणा आप संग्राम हाउस से, मुन्नालाल जी आप मुन्ना भाई तनुलाल जी आप दो छिपिया से, रामकिशोर जी, प्रमोद कुमार सिंह जी, नारायण जी मिस्त्री बिहार से, सीमा रोहिला सुनील रोहिला मुर्दाबाद से, संदीप जी वस्त्र आप दिल्ली से, सुनील कुमार जी केसी मिर्जापुर से, ललिता रस्तोगी आप देहरादून से, जगदीश चौपाल जी मधुबनी बिहार से, रविशंकर गया बिहार से, ज्योति कुमारी आरा बिहार से, गौरव कुमार जी मनफुल यादव जी, सावित्री यादव जी गुड़गांव हरियाणा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। समर निका दाजी आप सौजन्य दाजी के नाम से भुवनेश्वर उड़ीसा से, राजेंद्र सिंह जी तोमर आप मुरैना से, गोपाल जी दंगन आप कोरबा आप छत्तीसगढ़ से, शंकु कुमार जी पटना बिहार से, रेखा रानी सिंह जी आप भूतनगर उत्तर प्रदेश से, मोहन जी पांडे आप रांची झारखंड से विजय सिंह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में अक्षयवर लाल जी त्रिलोकपुरी दिल्ली से आप 21,000 रुपए देते हो, एक माँ का जीवन सारा बने, सतवर जी करनाल से विजय सिंह, अमित जी संगता जी करनाल से विजय सिंह के रूप में 2,101 रुपए, साथ ही मीना सिंह जी लखनऊ से आप 11 रुपए, शशिकांत सिंह जी आप लखनऊ से आप विजय सिंह, सगुदा देवी आप सवाई माधोपुर से विजय सिंह, रूपा जी मौर्य अनिल कुमार जी आप मजकबर दिल्ली से विजय सिंह, लक्ष्मी जी आप दिल्ली से 3,000 रुपए, उमा देवी दिल्ली से आप विजय सिंह, महानंद जी हैदराबाद से 5,511 रुपए, गुप्ता निकमत रूप से देवी मोहितलाल जी और राजस्थान से विजय सिंह, निरंजन लाल जी और राजस्थान से, दिगंबर सिंह जी आप दिल्ली से, हरदेव शर्मा जी आप दिल्ली से, साथ ही ईशान सिंह जी चौहान आप सोनीपत से और रिमला जी चित्रकूट से विजय सिंह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में बच्चोलाल जी गुप्ता आप गुड़गांव से विजय से, दर्शन देवी करनाल से विजय सिंह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही 10,000 रुपए श्रीमती पुष्पाजी पांडे आप आगरा उत्तर प्रदेश से, गिरिराज श्रीवास्तव चांदनी चौक रायगढ़ से आप 5,000 रुपए, राजेंद्र सिंह जी ठाकुर आप तगतपुर से छत्तीसगढ़ से आप विजय सिंह, कलकर प्रसाद जी धनबाद से और रामानुज राय जी आप धनबाद से विजय सिंह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। नंद किशोर जी प्रजापति आप सह उप निरीक्षक पुलिस आप जिला सीहोर से विजय सिंह के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वैसी श्रेणी में आशा जी भनोट आप द्रौपदी श्री हरबंसलाल जी भनोट आप दसुआ से, होशियारपुर पंजाब से आशा जी हरबंसलाल जी भनोट 58,201 रुपए के योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हैं इनके लिए और सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं से जोड़ा है और पुण्य लाभ अर्जित किया है। अब आइए मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जो संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, जो सेवाएं सीधा वृंदावन में चल रही हैं, आप भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए उन माओं का सहारा बनेंगे जो माए आज हमारे परिवार में है। 275 माओं की बखूबी सेवा हो रही है जिनसे जुड़कर आप भी इन माओं का सहारा बन सकते हैं। आइए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा नहीं, अगर आप एक माँ का सहारा बन सकते हैं तो क्यों ना एक माँ का सहारा बने और अपने आप को सीधा वृंदावन से इन माओं के चरणों की सेवा से जोड़ें। मात्र 21,000 रुपए के योगदान से एक माँ का सहारा बन जाएंगे। आप ये नहीं करवा पा रहे कोई बात नहीं, आप इन माओं की भोजन प्रसादी के लिए अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हैं। पूरी 275 माओं को, 100 माओं को, 50 माओं को अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम एक माँ के लिए मात्र 70 रुपए का योगदान तो दे ही सकते हैं। इसी के साथ में आप इन माओं के लिए एक माह के लिए, दो माह के लिए अथवा पूरे साल भर के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने घर की रोटी के रूप में अन्नदान करते हुए अपना योगदान देते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में प्रातःकालीन मेला में चलने वाली गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र पावन सेवा में जहाँ हजारों संतों की सेवा होती है, एक दिन की सेवा क्यों ना आप भी अपने हाथों से करें। मात्र 11,000 रुपए के योगदान से एक दिन की संपूर्ण संत सेवा आप भी कर सकते हैं। इसी के साथ में सीधा प्रतापगढ़ में चलने वाली गौरी गोपाल रसोई, सुबह से लेकर रात्रि तक चलने वाली रसोई में हजारों लोग प्रतिदिन प्रसाद पाकर के जाते हैं। एक दिन की सीमा अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप भी कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए के योगदान से जरा सोचिए जहां हजारों लोगों को आप भोजन पवा सकते हैं अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, तो क्यों ना ये शुभ कार्य तत्काल ही कर लिया जाए और अपने नाम से पुण्य कमा लिया जाए। आइए मैं निवेदन करूंगा कि एक दिन की रसोई आप भी अपने नाम से बटवाएं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं, बंदर सेवा, दवाइयों की पावन सेवा, गौ माताओं की सेवा, गौदान की पावन सेवा अथवा गौचर भूमि, ऐसी पावन पवित्र भूमि जो अभी सद्गुरुदेव भगवान ने बताया गौ माताओं के लिए हरा चारा जहां उगाया जा रहा है, ऐसी पावन पवित्र भूमि अगर वृंदावन में दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो आप भी अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हुए जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में बड़ा ही सुंदर नव निर्माण कार्य चल रहा है, 1,000 माओं की बड़ी सुंदर व्यवस्था सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिन्होंने इतना सुंदर कार्य केवल ये सपना ही नहीं देखा बल्कि आज ये सपना साकार भी हो रहा है। मैं चाहूंगा कि साकार होते सपने में
एक ईंट आपकी भी लगे और आपको भी पुण्य मिले। तो आइए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर एक कब्र बनवा सकते हैं तो एक कब्र बनवाएं, अथवा किसी एक कब्र की छत के लिए मात्र 51,000 रुपया आप दान करते हो, सुंदर सी छायक व्यवस्था इन माओ के सिर पर करवाते हुए आप अपने आप को जोड़े। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं, जैसे गुरुकुल पावन सेवा, गुरुकुल में 100 विद्यार्थी हाल फिलहाल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अपने लिए ना सही, समाज के लिए, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए ही सही, गुरुकुल की पावन सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में गुरुकुल में रहने वाले छात्रों के लिए आप भोजन प्रसादी की सेवा भी अपने नाम से करवाते हो, अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग यहाँ हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं, पावन सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं, अपना योगदान सही समय पर सही लोगों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड देखा जाता है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। आइए, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सब लोग पुण्य कमा रहे हैं, थोड़ा पुण्य आप भी कमाएं, थोड़े अच्छे कार्य आप भी करें और मानवता का देते हुए आप भी पुण्य और इन सेवाओं से जोड़ें। आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर। जो अभी शेष है, जो उत्सव अभी शेष रह गया है, उससे पहले एक विशेष सूचना, लगातार पोथी पाठ सिद्धांत वृंदावन में बैठ रहे हैं, एक बार पुण्य स्वावसर आपको भी प्राप्त होगा। जो लोग रह गए हैं, आप भी अपने नाम से, आप अपने परिवार की सुख शांति, अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण, उनकी मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर। एक बार पुनः उसी जोश अंदाज के साथ में दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान कुबजा पर कृपा करने के बाद कुवलिया पीढ़ी नाम के हाथी पर कृपा करते हैं, चाणूर मुष्टिक को मारते हैं। कंस को भगवान ने मार गिराया, कंस के सभा में चढ़कर भगवान ने कंस को, कंस के केस पकड़कर कहा, मूर्ख, तूने मेरी प्रजा को, माता पिता को बड़ा सताया है। उठाकर जब भगवान पटके और कंस के ऊपर भगवान कूदे, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों ने भगवान से लड़ना चाहा, सबको पराजित किया। कंस के भाई को मारा, कंस के पिता उग्रसेन को जेल से मुक्त किया भगवान ने। कंस ने अपने ही बाप को जेल में बंद कर रखा था, ऐसा उद्दंड बेटा था। कंस के पिता को निकालकर भगवान ने उन्हें राजा बनाया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव से भगवान मिले। नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, वसुदेव जी का है। वापस वृंदावन की ओर नंद बाबा आए और यहां भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन आए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर भगवान वापस गए। सांदीपनी गुरु जी के यहां पढ़े, गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र लौटाया। इसके बाद भगवान जब वृंदावन आए तो भगवान को गोपियों की बहुत याद आई। तब भगवान ने गोपियों के लिए उद्धव जी को एक संदेश पत्र मैसेज दिया, उद्धव जी को कि ये ले जाओ, मेरा संदेशा गोपियों को सुनाओ। अब क्या बात हुई, उद्धव जी ने क्या मैसेज दिया? जब उद्धव जी गए ब्रज में, माता यशोदा से भेंट, राधा रानी से भेंट, किस तरह भगवान ने अपने हृदय की पीड़ा गोपियों तक पहुंचाई, वो चर्चा हम आपको कल सुनाएंगे। सारी गोपियों से जो वार्ता हुई उद्धव जी की, वो क्या वार्ता हुई, वो कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे। उद्धव चरित्र, भगवान उद्धव जी को हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराते हैं और जरासंध से भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। 18वीं बार काल्यवन आया, मुचकुंद के हाथों काल्यवन की मृत्यु। 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ के भागे। मैदान क्यों छोड़ा भगवान ने? क्योंकि उसने इस बार ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है जरासंध ने, अब की बार में हारा तो सारे हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर देता, तो ब्राह्मणों की हत्या ना हो इसलिए भगवान को लगा यदि मेरे हार जाने से यदि ब्राह्मणों की रक्षा हो रही हो, तो भगवान ने हार को स्वीकार कर लिया, मैदान छोड़ के भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़। भगवान ने द्वारिका बसाई और बलराम जी का विवाह माता रेवती से द्वारिका में संपन्न हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की, रेवती मैया की। अब भगवान का विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणि, इन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा, प्रभु मैं विवाह करूंगी तो आपसे। भगवान बोले कैसे? अब प्रेम पत्र लेकर पंडित जी गए, भगवान ने पढ़ा और माता रुक्मणि जी बोली मैं पूजा करने आऊंगी माँ भगवती की, तब आप मेरा हरण कर लेना।
माने लिखा श्रत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्चिलाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तमपत्रपम मे। पूजा कर रही है रुक्मणी माँ। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा, मैं विवाह आपसे करूंगी, पूजा करने आऊंगी, आप मेरा हरण कीजिए। दारुक को तैयार किया, वायु के वेग से रथ दौड़ा, सब देखते रह गए, रथ से उतरकर भगवान मंदिर की ओर चले। रुक्मणी माँ पूजा कर रही थी, हाथ पकड़ते हैं भगवान, लेकर के भागते हैं। बोलिए रुक्मणी, हरण भगवान की जय हो। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह पूरा हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। अब भगवान भगवान का पूजन चल रहा है, हमारे परीक्षित जी आएंगे और भगवान का कन्यादान, माता रुक्मणी का कन्यादान पूजन करेंगे। भगवान का पूजन आशीर्वाद। आइए बड़े भाव से कल की कथा, सुदामा चरित्र की कथा बड़े प्रेम से कल सुनेंगे। आज भगवान के विवाह में जरा आप लोग सावधानी से अपना एक बार झूम लीजिएगा और फिर आरती उतारेंगे। सभी लोग एक बार भगवान के विवाह में जरा झूम लें, फिर आरती की ओर। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे लगता है कि संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है धूप जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है धूप जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजा। हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजा। हाँ आज मुझे लगता है कि नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी। रुक्मणी के मन में बस गए गोंज बिहारी, रुक्मणी के मन में बस गए गोंज बिहारी, रुक्मणी के मन में बस गए गोंज बिहारी। आइए आरती करते हैं। श्रीमन् नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओं मम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्ने राजायत। मन में बसाकर बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती आरती।
कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो से अब तो प्राण जा, जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा, कम है जिंदगी कर लो वंदगी, कम है जिंदगी कर लो वंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता, भक्त तेरे द्वार करते हैं भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम कर्णाभारम संसार सारम वज्रेन्द्रहारम सदावसनम हृदयारविन्दे भवम भवानी चैतन्यम मंदा
लाल माला चंद्रशेखराया जगदम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बलो जगा त्वमेव त्वमेव विद्या रूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवजी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अकिया दर्ज रही अब तो आजा घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अकिया दर्ज रही अब तो आजा भजन दलाल बरस रहे नैना जगोपाल बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 जगोपाल तरस रहे नैना जगोपाल तरस रहे नैना जगोपाल कृष्णा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदया ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जापुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र पाठक जी OSD विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप। और कल की कथा कितने बजे से होगी? सुबह 10 बजे से। प्रश्नोत्तरी अभी 7 बजे होगी। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण करा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुमरा को जगदीश, दोनों भुजा पसार के मेरो चरण में सी सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे हो कल्याण, जय जय राम। हो भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, और दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। गरम मस्ती के साथ ताली से बजाते हैं।